ये है शो की मेन लीड नोम निम, जो अपने बड़े भाई और मम्मी के साथ रहती है। निम कहती है कि ऐसा माना जाता है जो घर में सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे बस पनिश किया जाता था, अगर उसे कुछ भी चाहिए तो खुद ही पार्ट टाइम जॉब करके खरीदना पड़ता है। निम कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है और वहाँ पर एक कपल को देखकर खुश होती है। उन्हें देखने में वह इतनी बिजी होती है कि कस्टमर पर ध्यान ही नहीं देती। निम सोचती है कि वह अपना सारा टाइम जॉब में और स्टडी में लगाती है, कि जिसे प्यार करने के लिए उसके पास अभी टाइम ही नहीं है। जब वह ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसे फुल टाइम जॉब मिल जाएगी, उसके बाद वह अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेगी और उसे उसका लव पार्टनर भी मिल जाएगा। निम ग्रेजुएट हो जाती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। उसके फ्रेंड्स ही सेलिब्रेट करने के लिए उसे बार में लेकर आते हैं और अच्छे से रेडी होने के लिए कहते हैं। उसके फ्रेंड पूछते हैं कि कौन सी कंपनी ने जॉब दी है। निम कंपनी का नाम वाइपरएक्स बताती है। वाइपरएक्स जापानीज एडवर्टाइजिंग कंपनी है। ये है पिन। वह निम से कहती है कि वह इस बार में कई बार आ चुकी है। यहाँ पर हैंडसम जापानीज लड़के आते हैं और कहती है कि आज उसे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड तो ढूंढना ही पड़ेगा। वे लोग निम का लुक चेंज करते हैं और हैवी मेकअप करने के लिए कहते हैं। निम अपना मेकअप पाउच निकालती है। पिन उसे वह मेकअप पाउच चेंज करने के लिए कहती है। निम अपना मेकअप कर लेती है। निम के फ्रेंड्स पहले ही वहाँ से निकल जाती हैं। वापस जाते हुए निम एक लड़के से टकराती है और उसे देखती ही रहती है। लड़के का पूरा फेस अभी नहीं दिखाते। निम उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। वह लड़का उसे देखकर स्माइल करता है। निम को वह लड़का अच्छा लगता है। बार में निम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती रहती है। निम के फ्रेंड्स उससे कंपनी के बॉस के बारे में पूछते हैं। निम इमेजिन करके बताती है कि उसका बॉस उसे बहुत पसंद करता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वह अभी उस कंपनी में जॉब करने के लिए ट्राई करेंगे। निम कहती है कि उसने अभी जो कहा वह सब झूठ था, पर वह चाहती है कि ऐसा ही हो। निम कहती है कि उसकी जॉब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। पिन कहती है कि उसका बॉस तो 50 साल से भी ऊपर का है, वह तो अपनी जॉब से रिजाइन करना चाहती है। निम कहती है कि उसे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो रिजाइन मत करो। पिन कहती है कि वह एक जापानीज बिजनेसमैन से शादी करके टोक्यो जाकर रहना चाहती है। तभी कोई लड़का पिन के लिए एक ड्रिंक भेजता है। पिन वेटर से पूछती है कि किसने भेजी है। वेटर बताता है कि पीछे टेबल पर जो लड़का बैठा है उसने भेजी है। निम बिटर्न होकर देखती है। ये है अकित्सुकी कोजी, शो का मेन लीड, जो एक जापानीज लड़का है। निम उसे देखती ही रहती है। कोजी भी उसे देखकर स्माइल करता है। कोजी का फ्रेंड हजोबे उसे कहता है कि वह लड़की कंटिन्यूअसली उसे देख रही है। पिन निम को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। निम जाने से मना करती है। पिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। निम एक्सीडेंटली कोजी के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोजी निम से पूछता है कि क्या वह ठीक है। निम खड़ी होकर उसे सॉरी बोलती है और वहां से जाती है, पर पिन उसे रोक लेती है। दोनों उन्हें देखकर स्माइल करते रहते हैं। वह ड्रिंक हजोबे पिन के लिए ऑर्डर करता है। पिन पूछती है कि क्या वह जापानीज है। हजोबे उसकी जापानीज लैंग्वेज सुनकर कहता है कि वह इतनी अच्छी जापानीज कैसे बोल लेती है। पिन बताती है कि वह एक कंपनी में जापानीज इंटरप्रेटर है और निम भी जापानीज बोल लेती है। हजोबे और पिन एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और वह निम के बारे में पूछता है। निम उसे अपना नाम बताती है। हजोबे कहता है कि दोनों बहुत अच्छी जापानीज बोल लेती हैं। कोजी निम से उसके नाम का मतलब पूछता है। निम अपने नाम का मतलब फ्लफी और सॉफ्ट बताती है। कोजी कहता है कि उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। कोजी उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा। हजोबे पिन से पूछता है कि क्या वह इस बार में आती रहती है। पिन कहती है कि वे तो बस निम की न्यू जॉब सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। कोजी निम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। निम कहती है कि वह अपने फ्रेंड्स के पास वापस जा रही है। निम कोजी से कहती है कि पिन का ध्यान रखना। निम के फ्रेंड्स अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी हो जाते हैं तो निम अकेले बैठी रहती है। कोजी वहां आकर कहता है कि उसने तो कहा था वह अपने फ्रेंड्स के पास जा रही है। निम कहती है कि उसके सारे फ्रेंड्स बिजी हो चुके हैं। कोजी कहता है कि वह उसके साथ बैठकर बातें कर सकता है। निम कोई आंसर नहीं करती। कोजी पूछता है कि क्या वह यहाँ पहली बार आई है। निम कहती है कि फर्स्ट और लास्ट टाइम, अब वह यहाँ नहीं आएगी। कोजी कहता है कि क्या उसे यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा। निम उसे उसके फ्रेंड्स के पास जाने के लिए कहती है। कोजी उसके पास आकर बैठता है तो निम वहां से उठ जाती है। कोजी हंसने लगता है। निम उससे हंसने का रीजन पूछती है। कोजी कहता है कि वह पहली लड़की है जो उसे इग्नोर कर रही है। निम कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। कोजी थोड़ी देर बाद मिलने के लिए कहता है। निम सोचती है कि क्या वह लड़का उसमें इंटरेस्टेड है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी एक लड़की निम से टकराती है। यह है मियाकावा आजुकी, एक फेमस जापानीज आइडल। निम उसे देखकर शॉक हो जाती है और भागकर पिन के पास आती है और कहती है कि उसने अभी आजुकी को देखा। पिन भी शॉक हो जाती है। हजोबे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पिन कहती है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी तो निम उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है और कहती है कि वह उससे यहीं मिली थी।
पिन कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वापस चली जाती है। तभी निम कोजी और आजुकी को साथ में देखती है। उसे लगता है कि वे दोनों किस कर रहे हैं। निम शौक हो जाती है और कहती है कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं। निम के जाने के बाद कोजी स्माइल करता है। निम अपने फ्रेंड से आकर कहती है कि वह घर जा रही है। कोजी निम को रोक लेता है और पूछता है कि क्या वह वापस जा रही है। निम हाँ कर देती है। कोजी कहता है कि जो उसने अभी देखा, क्या वह इसीलिए घर जा रही है। निम कहती है कि उसे आजुकी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोजी पूछता है कि उसने क्या किया है। निम कहती है कि उसे लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आजुकी एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके आगे उसका ब्राइट फ्यूचर है। कोजी उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि क्या वह आजुकी की फैन है। निम कंटिन्यूसली बोलती रहती है। कोजी उसे चुप कर देता है और कहता है कि क्या उसे आजुकी की जगह तुम्हें किस करना चाहिए था। निम फिर से वॉशरूम में आ जाती है। तभी निम को आजुकी के चिल्लाने की आवाज आती है। आजुकी का मैनेजर उसे घर वापस चलने के लिए कहता है। आजुकी कहती है कि वह नहीं जाएगी और उसका पीछा करना बंद करो। निम ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। मैनेजर आजुकी को उसकी सीक्रेट क्लिप रिलीज करने की धमकी देता है। आजुकी भागकर वॉशरूम में छुप जाती है। निम आजुकी से कहती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसकी हेल्प करना चाहती है। आजुकी बाहर आकर उससे कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकालो। वह मैनेजर के साथ नहीं जाना चाहती। निम उसे अपनी हुडी पहना देती है और उससे उसका फोन नंबर मांगती है। आजुकी पूछती है कि उसे फोन नंबर क्यों चाहिए। निम कहती है कि उसने कुछ रिकॉर्ड किया है जो उसके काम आ सकता है। आजुकी उसे नंबर दे देती है। निम उसे छुपाकर अपने साथ ले जाती है। मैनेजर उसे ढूंढता रहता है। भागने के चक्कर में निम वेटर से टकरा जाती है। मैनेजर उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भागता है। कोजी छुपने में उनकी हेल्प करता है। आजुकी दोनों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। निम आजुकी को समझाती है कि इस तरह घर से भागना डेंजरस है। आजुकी कहती है कि उस मैनेजर ने उसकी लाइफ हेल बना रखी है। निम कहती है कि वह अपने फैंस की नजरों में एक स्वीट लड़की है। ऐसा करने से उसके फ्यूचर करियर पर असर पड़ेगा। आजुकी कहती है कि वह आगे से ध्यान रखेगी और वहां से जाती है तो कोजी उसे एक लॉयर का कार्ड देते हुए कहता है कि ये लॉयर कभी कोई केस नहीं हारा और कहता है कि लॉयर से कह देना कोजी ने उसे भेजा है। आजुकी निम से कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वह उसे कॉन्टेक्ट कर सकती है और दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। कोजी निम से अंदर चलने के लिए कहता है। निम पूछती है कि वह आजुकी के साथ क्या कर रहा था। कोजी कहता है कि आजुकी ने उसे ऐसा दिखाने के लिए कहा था, उसने बस मैनेजर से छुपने में उसकी हेल्प की। निम उसे देखती रहती है। कोजी कहता है कि वह हर किसी को किस नहीं करता, उसका किस किसी स्पेशल लड़की के लिए है और उसे गलत समझने के लिए पनिशमेंट में निम को ड्रिंक करने के लिए कहता है। निम वह ड्रिंक पी लेती है। पिनाकर कहती है कि वे दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। कोजी निम को देखकर स्माइल करता है। पिना और हाजोबे उन्हें साथ में कैरियो के चलने के लिए कहते हैं। तभी निम को उसकी मम्मी का फोन आ जाता है। वे उसे घर वापस आने के लिए कहती हैं। कोजी निम को देखता रहता है और कहता है कि क्या वह वापस जा रही है। निम कहती है कि उसकी मम्मी बुला रही है। कोजी पूछता है कि वह घर कैसे जाएगी। निम टैक्सी से जाने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। कोजी उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। निम कहती है कि वह अपने बड़े भाई और मम्मी के साथ रहती है। कोजी निम की सीट बेल्ट खोलते हुए उसे किस कर लेता है और उसे अपना कार्ड देकर कॉल करने के लिए कहता है। कार्ड पर वाइपर एक्स लिखा होता है जहां निम की जॉब लगी है। रूम में आकर निम स्माइल करती है और मैसेज में लिखती है कि वह उसे दोबारा मिलना चाहती है। नंबर के लिए वह अपने पर्स में उसका कार्ड ढूंढती है पर उसे वह नहीं मिलता। निम पूरे रूम में चेक करती है और थककर बेड पर लेट जाती है। मैसेज भी ऐसे ही रह जाता है। उस बात को अब एक महीना हो जाता है। निम की वाइपर एक्स कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाती है और आज उसका पहला दिन है। निम अपना आईडी कार्ड चेक करती है। ऑफिस के कुछ लोग उससे मिलकर खुश होते हैं। निम भी उनसे मिलकर खुश होती है। ऑफिस लेडी उसे बताती है कि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लॉय से पूछ सकती है। ये है प्लॉय। वह लेडी निम को थोड़ी देर में बॉस से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है। वह कहती है कि हमारे बॉस गुड लुकिंग है। सब लोग निम से मिलकर खुश लगते हैं पर प्लॉय नहीं लगती और सबको काम पर वापस जाने के लिए कहती है। सब लोग ऑफिस में काम करते रहते हैं। सीनियर वर्कर आकर निम से पूछता है कि जो उसने काम दिया था क्या हो गया है। निम कहती है कि उसने काम पूरा करके ग्रुप में भेज दिया है। सीनियर वर्कर कहता है कि उसकी स्पीड अच्छी है। प्लॉय उनकी बातें सुनती रहती है। उसके बाद वह प्लॉय से कहता है कि उसका काम लेट चल रहा है। निम प्लॉय से कहती है कि वह उसकी हेल्प कर देगी। प्लॉय कहती है कि वह ओनली स्पीड पर ध्यान नहीं देती, काम में कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए और उसे उसका काम भी चेक करने के लिए कहती है। सीनियर वर्कर कहता है कि उसने निम का काम चेक कर लिया और कोई गलती नहीं है। प्लॉय जेलस फील करती है। मैनेजर वहां आकर कहता है कि उसे अभी एक ट्रांसलेटर मीटिंग रूम में चाहिए। सीनियर वर्कर निम को जाने के लिए कहता है और कहता है कि शायद वह अंदर बॉस से भी मिल ले। मीटिंग रूम में मैनेजर निम से कहता है कि बॉस को काम में गलती बिल्कुल पसंद नहीं। तभी बॉस की एंट्री होती है और निम का बॉस है अकित्सुकी कोजी।
निम उसे देखती रहती है। कोजी निम को देखता है। निम सोचती रहती है कि कोजी उसे भूल गया या उसे सब याद है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और निम अपनी सोच में खोई रहती है और ये भी भूल जाती है कि उसे ट्रांसलेट भी करना है। कोजी भी निम को देखता रहता है। मैनेजर निम को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। मैनेजर के कहने के बाद निम ट्रांसलेट करती है और फिर से यही सोचती है कि क्या कोजी को सब याद है। सब लोग निम की ट्रांसलेशन का वेट करते हैं। कोजी भी उसे देखता है कि ये ट्रांसलेट नहीं कर रही है। उसके बाद कोजी खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है और निम से थाई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। निम कर देती है। कोजी उसे देखता रहता है। मीटिंग के बाद मैनेजर कोजी को बताता है कि नुम निम कंपनी में इंटरप्रेटर है और आज उसका पहला दिन है। कोजी मैनेजर से कहता है कि निम को उसके ऑफिस में भेजो। मैनेजर निम को जाने के लिए कहता है। निम डर जाती है और ऑफिस में आ जाती है। कोजी उसे बैठने के लिए कहता है और उसे अपना नाम और कंपनी के रूल्स के बारे में बताता है और कहता है कि सब लोगों की तरह वह भी उसे बॉस बुलाएगी। निम उसकी बातें सुनती रहती है। कोजी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसे कोई और डाउट है। निम मना कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। कोजी निम से कहता है कि अगली बार उसे वेट मत कराना। निम उसे देखती है तो कोजी कहता है कि वह मीटिंग में ट्रांसलेशन की बात कर रहा है। निम हाँ कर देती है। कोजी उसे जाने के लिए कहता है। निम बाहर आ जाती है। प्लॉय निम से कहती है कि उसने ग्रुप में उसके लिए कुछ फाइल्स भेजी हैं जो आज ही कंप्लीट करनी है। निम चेक करती है तो वहाँ 20 फाइल्स होती हैं। वह शौक होकर प्लॉय को देखती है। प्लॉय कहती है कि उसकी स्पीड अच्छी है, ये काम तो उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसने 3 फाइल्स और भेजी हैं। काम खत्म करके वह उसे फाइल्स खुद को सेंड करने के लिए कहती है। निम हाँ कर देती है और काम में लग जाती है। शाम को सब लोग उठकर जाने लगते हैं। प्लॉय निम से पूछती है कि क्या उसका सारा काम हो गया। निम कहती है कि अभी 6 फाइल्स बाकी हैं। प्लॉय कहती है कि वह उसकी हेल्प कर देगी और अपनी मम्मी को कॉल करके बोल देगी कि आज वह उनके साथ डिनर नहीं कर पाएगी। निम उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वह काम खत्म करके उसे ग्रुप में सेंड कर देगी। प्लॉय उसे बाय बोलकर चली जाती है। पूरे ऑफिस में निम अकेली बैठी हुई काम करती रहती है। निम के फ्रेंड्स उसे मैसेज करके साथ में बाहर चलने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि वह नहीं जा पाएगी, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। निम उनसे बात करने के बाद फिर से वर्क स्टार्ट कर देती है। कोजी वहां आकर निम से कहता है कि क्या उसके पास ज्यादा काम है। निम कह देती है कि काम ज्यादा नहीं है, बस उसकी स्पीड स्लो है और उसे कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं। कोजी कहता है कि जो वर्ड उसे समझ नहीं आ रहे हैं वह उसकी हेल्प कर देगा। निम कहती है कि वह खुद कर लेगी। कोजी कहता है कि अगर उसकी ट्रांसलेटिंग स्लो है तो उसकी वजह से उसे भी घर जाने में लेट होगा। कोजी उसके पास आकर उसे काम समझाने लगता है। निम उसे देखती रहती है। कोजी पूछता है कि वह उसे क्यों देख रही है, क्या कुछ और पूछना है। निम उसे और वर्ड्स बता देती है। कोजी उसे उसका भी मीनिंग बता देता है। निम कोजी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। कोजी निम से कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। निम शॉक होकर पूछती है कि उसने क्या कहा। कोजी दोबारा कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। निम कहती है कि वह चली जाएगी। कोजी कहता है कि क्या उसे आर्ग्यू करना पसंद है। निम उसे देखती है। कोजी उसे साथ चलने के लिए कहता है। कोजी उसे घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। निम जाते हुए कहती रहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। घर के बाहर बेंच पर बैठकर निम अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करके पूछती है कि क्या कोई किसी को किस करके भूल सकता है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या वह बार वाले लड़के से दोबारा मिली। निम उन्हें बताती है कि वह उसका बॉस है। कोजी अपनी कार थोड़ी आगे रोककर निम को मिरर में देखकर स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग शाम की पार्टी के लिए ड्रेस डिसाइड करते हैं कि वे लोग क्या पहनेंगे। वे लोग निम से भी पूछते हैं कि वह क्या पहनेगी। निम उन्हें बताने वाली होती है पर प्लॉय वहां आकर कहती है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कोई नहीं जाएगा। प्लॉय निम को ज्यादा काम देकर कहती है कि उसे ये ट्रांसलेशन आज ही फिनिश करनी है। निम कहती है कि उसका अभी पहला काम भी पूरा नहीं हुआ है। प्लॉय कहती है कि जल्दी काम पूरा करो, नहीं तो पार्टी में नहीं जा पाओगी। निम सैड हो जाती है। निम जल्दी वर्क फिनिश करने की कोशिश करती है। प्लॉय आकर पूछती है कि क्या वर्क टाइम पर फिनिश कर लेगी। निम कहती है कि उसने वर्क पूरा करके ग्रुप में भेज दिया है। कुछ लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं और प्लॉय के टर्न करते ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सीनियर वगैरह आकर पूछता है कि क्या काम पूरा हो गया। निम के बोलने से पहले प्लॉय कह देती है कि उसने काम पूरा करके ग्रुप में भेज दिया है। तीनों शॉक हो जाते हैं। सीनियर वर्कर टॉन प्ले से कहता है कि उसने जल्दी काम पूरा कर दिया और बिना किसी मिस्टेक के। प्लॉय टॉन से कहती है कि उसका काम हाई क्वालिटी का होता है। निम प्लॉय को देखती रहती है। टॉन प्लॉय को और काम देकर कहता है कि अभी पार्टी में टाइम है तो ये भी फिनिश कर लो। प्लॉय फाइल्स निम को देकर कहती है कि एक फाइल अभी कंप्लीट कर लो, दूसरी बाद में कर लेना। वे तीनों प्लॉय को देखकर गुस्सा करते हैं। निम कहती है कि वह कर देगी और काम पर लग जाती है। प्लॉय के जाने के बाद वे तीनों निम से साथ में खाना खाने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि उसे काम टाइम पर फिनिश करना है और उसकी टेंशन मत लो, वह अपना लंच लेकर आई है। वे तीनों उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। कोजी आकर निम से खाना खाने के लिए कहता है। निम कहती है कि उसका काम अर्जेंट है। कोजी कहता है कि अगर वह खाना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी। निम कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, वह कर लेगी।
कोजू उसके पास आकर कहता है कि वह अपने सारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है और कहता है कि उसका ऑर्डर है। निम खाना स्टार्ट कर देती है। रात को निम प्लॉय से कहती है कि उसने ट्रांसलेशन पूरी कर दी और उसे सेंड भी कर दी है। तभी टॉन प्लॉय से कहता है कि उसने दोनों फाइल्स कंप्लीट करने के लिए कहा था। प्लॉय निम से कहती है कि क्या उसने दोनों फाइल्स कंप्लीट नहीं की। निम बोलने वाली होती है कि उसने एक ही फाइल्स फिनिश करने को कहा था, पर प्लॉय टॉन से कहती है कि उसने निम को दोनों फाइल्स करने के लिए कहा था और ग्रुप में मैसेज करके डेडलाइन भी बताई थी, और निम से कहती है कि उसे पहले बताना चाहिए था। निम उसे चौंक होकर देखती है और कहती है कि उसने ऐसा ही कहा था। प्लॉय टॉन के सामने कहती है कि अपनी गलती के लिए उसको ब्लेम मत करो। टॉन निम से कहता है कि वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। निम टॉन को सॉरी बोलती है और कहती है कि वह यह काम आज ही फिनिश कर देगी। टॉन उसे प्लानिंग टीम से भी सॉरी बोलने के लिए कहता है। वे तीनों पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और निम से कहते हैं कि प्लॉय इस कंपनी की स्नेक है। निम स्माइल करके कहती है कि कोई बात नहीं, पार्टी में उसकी तरफ से भी तुम लोग ही इंजॉय कर लेना। तीनों वहां से चले जाते हैं। निम फिर से पूरे ऑफिस में अकेली बैठकर काम करती रहती है। काम करते करते निम को नींद आती है तो वह अपने लिए कॉफी बनाने चली जाती है। तभी कोजी वहां आ जाता है और पूछता है कि अभी तक घर नहीं गई। कोजी कहता है कि एक कॉफी उसके लिए भी बना दो और उसके रूम में ले आना। निम हाँ कर देती है और उसके ऑफिस में कॉफी ले आती है। कोजी कॉफी टेस्ट करता है और कड़वी बताता है। निम कहती है कि वह दूसरी बना देगी। कोजी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और पूछता है कि सब लोग पार्टी में हैं, वह यहाँ क्या कर रही है। निम उसे बताती है कि प्लॉय ने उसे फाइल ट्रांसलेट करने के लिए दी है और अभी एक ही फाइल कंप्लीट हुई है। कोजी कहता है कि क्या प्लॉय ने उसे दोनों फाइल्स कंप्लीट करने के लिए कहा था। निम अपने आप को केयरलेस बताती है कि उसने ध्यान नहीं दिया था। कोजी कहता है कि काम के साथ साथ पार्टी भी इम्पोर्टेंट है। निम कहती है कि वर्क पेंडिंग छोड़कर पार्टी में नहीं जा सकती। कोजी उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और काम बंद करके उसे उसका सामान पैक करने के लिए कहता है। निम कहती है कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। कोजी कहता है कि उसे वेट मत कराओ। निम कहती है कि उसे आज ही फाइल्स पूरी करनी है। निम पार्टी में आ जाती है। प्लॉय आकर उससे पूछती है कि क्या उसने काम पूरा कर लिया। निम मना कर देती है। प्लॉय कहती है कि वे फाइल्स कल ही सबमिट करनी है, उसे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। टोन भी निम को इर्रेस्पॉन्सिबल बताता है। दोनों उसे डांटते रहते हैं और कहते हैं कि इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। कोजी आकर कहता है कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसने क्लाइंट से बात कर ली है। दोनों कोजी को सॉरी बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तीनों आकर निम को ड्रेस चेंज कराने ले जाते हैं। वे तीनों उसे सिंड्रेला वाली ड्रेस पहनाते हैं। सब लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि क्या उन्होंने अपने बॉस को कभी डांस करते हुए देखा। सब लोग बॉस का डांस देखने के लिए कहते हैं। कोजी आकर डांस करना स्टार्ट कर देता है। सब उसे देखकर खुश होते हैं। डांस के बाद कोजी अपनी कैप उछालता है और कैप निम के हाथ में आ जाती है। डांस के बाद कोजी सबसे कहता है कि निम न्यू जॉइनर है और उसने अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं किया। निम डर जाती है और प्लॉय स्माइल करती है। निम कहती है कि वह भी जाकर अपना काम पूरा कर देगी। कोजी मना कर देता है और निम से मंडे तक डेस्क खाली करने के लिए कहता है। निम शौक होकर उसे देखती है। कोजी कहता है कि वह ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है। प्लॉय कहती है कि उसे पता था निम ज्यादा दिन कंपनी में नहीं टिक पाएगी। कोजी कहता है कि वह मंडे से उसकी सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करेगी। प्लॉय को छोड़कर सब लोग खुश हो जाते हैं। कोजी निम को देखता रहता है। निम भी उसे देखती रहती है। निम कोजी से आकर कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। कोजी उसे बैठने के लिए कहता है। निम कहती है कि वह उसके लिए पिटी फील कर रहे हैं, इस तरह वह सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। कोजी कहता है कि उसने उसकी कैपेबिलिटी देखी है, इसीलिए बनाया है। कोजी उसे पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। तभी वेट्रेस उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है। निम कोजी से कहती है कि वह ड्रिंक नहीं करती। कोजी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। निम उसे देखती है। कोजी कहता है कि खुद से पी लोगी या उसे ही पिलाना पड़ेगा। निम ड्रिंक कर लेती है। अगले दिन सब लोग निम की नई डेस्क देखकर खुश होते हैं और उसके चेयर पर बैठ जाते हैं, पर कोजी के आते ही साइड में खड़े हो जाते हैं और निम से फाइल सेंड करने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं। कोजी निम से अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। कोजी निम को बताता है कि वह 8 बजे तक ऑफिस आ जाता है, तो उसे 7 बजे आकर उसका शेड्यूल रेडी करना होगा। कोजी उसे काम समझाता है और कहता है कि वह उसके लिए आफ्टरनून स्नैक्स भी रेडी करेगी और वह 3-in-1 कॉफी नहीं पीता। निम कहती है कि वह समझ गई। कोजी कहता है कि अगर उसने काम अच्छा किया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और अगर मिस्टेक की तो पनिशमेंट भी मिलेगी। निम कहती है कि वह ध्यान रखेगी। कोजी उसे जाने के लिए कहता है और उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है। निम बाहर बैठकर अपना काम करती रहती है। कोजी उसे मैसेज करता है कि उसे कॉफी चाहिए। निम उसके लिए कॉफी लेकर आती है। कोजी टेस्ट करता है पर कुछ नहीं बोलता। निम कहती है कि इस बार उसने 5 स्पून शुगर डाली है और इससे ज्यादा शुगर डाली तो उसे डायबिटीज हो जाएगी। कोजी उसे देखता है। निम सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। कोजी जापानीज क्लाइंट से मिलने के लिए निम से चंग माई की फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है। निम कोजी के जाने की प्रिपरेशन कर देती है और अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके कहती है कि उसका बॉस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है तो आज पार्टी करेंगे। कोजी आकर निम को भी कार में बैठने के लिए कहता है। निम कहती है कि क्या उसे एयरपोर्ट तक साथ चलना पड़ेगा।
कोजी कहता है कि वह काम के लिए बाहर जा रहा है और उसकी सिक्योरिटी भी उसके साथ जाएगी। कोजी कहता है कि वह वेकेशन पर नहीं जा रहा है। कोजी उसे जल्दी से कार में बैठने के लिए कहता है। कोजी निम का हाथ पकड़कर कार में बैठा लेता है। निम कहती है कि उसके कपड़ों का क्या होगा। कोजी कहता है कि वह उसे शॉपिंग करा देगा और उसे देखता रहता है। दोनों चियांग में पहुंच जाते हैं। होटल के सारे रूम्स बुक्ड होते हैं, बस एक रूम अवेलेबल होता है। निम कोजी को देखती है, वह अपने फोन में बिजी होता है। निम आकर कोजी को बताती है कि इस होटल में बस एक ही रूम अवेलेबल है और उसे दूसरे होटल चलने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि कुछ ही घंटों में मीटिंग है, इतनी जल्दी वे दूसरा होटल नहीं ढूंढ सकते। निम वापस रूम बुक करने जाती है, पर बीच में ही अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसके फ्रेंड्स उसे सिचुएशन की एडवांटेज लेने के लिए कहते हैं। निम मना कर देती है और कोजी को टर्न होकर देखती है। कोजी उसे जल्दी करने के लिए कहता है। निम जाकर रूम बुक कर देती है। रूम में आकर कोजी निम से कहता है कि मीटिंग 2 बजे है, तो 1 बजे उसे उठा देना। निम कहती है कि वह टाइम पर उठा देगी और पूछती है कि वह डिनर में क्या खाएगा, पर कोजी को लेटते ही नींद आ जाती है। निम उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे सोते हुए देखती रहती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। थोड़ी देर बाद कोजी ही उसे उठाता है और कहता है कि उसने उसे उठाने के लिए कहा था और वह खुद सो गई। निम उसे सॉरी बोलती है। कोजी गुस्से में कहता है कि उनके पास बस 15 मिनट बचे हैं और उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है। जल्दी जल्दी में निम से फाइल्स गिर जाती हैं। कोजी चिल्लाकर पूछता है कि कार कहाँ है। निम कार वाले को फोन करके पूछती है कि उसने जो कार बुक की थी वह अब तक क्यों नहीं आई। वह कहता है कि उन्होंने वह कार किसी और को दे दी। निम पूछती है कि क्या कोई और कार है। वह कहता है कि सारी बुक्ड है। निम उसे ये सब बता देती है। कोजी सोचता है कि वह अब क्या करेगा। उसे एक बाइक आती हुई दिखती है। कोजी भागकर उसके पास जाता है और उससे उसकी बाइक मांगकर कहता है कि उसे जल्दी कहीं पहुंचना है। सिक्योरिटी के तौर पर वह उसे अपनी घड़ी देता है और कहता है कि वह इसी होटल में रुका है, कहीं भागेगा नहीं। वह कोजी को बाइक दे देता है। कोजी निम को बाइक पर बैठाकर ले जाता है। निम कहती है कि वे बस 5 मिनट लेट हैं। कोजी कहता है कि जापानीज पंक्चुअल होते हैं। कोजी आकर क्लाइंट को हेलो बोलता है। क्लाइंट कहता है कि क्या उसे पता है मीटिंग किस टाइम थी। कोजी उनसे लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। क्लाइंट कहता है कि क्या वह उस पर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि वह पहले ही लेट है। कोजी उन्हें दोबारा सॉरी बोलता है। क्लाइंट उन्हें जहाँ रिजॉर्ट बनना है वह लोकेशन देखने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद निम कोजी से सॉरी बोलती है और कहती है कि वह क्लाइंट से कह देगी कि गलती उसकी थी। कोजी उसे ऐसा करने से मना करता है। निम चलते हुए गिर जाती है पर कोजी उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। निम कोजी को सॉरी बोलती है। कोजी कहता है कि आज से वह उसे नुमनिम नहीं नजुमी बुलाएगा। निम उसे कंफ्यूज होकर देखती है। कोजी उसे केयरफुली चलने के लिए कहता है और उसे नजुमी बुलाता है। क्लाइंट कोजी को रिजॉर्ट की लोकेशन दिखाता है। निम सब डायरी में लिखती रहती है। कोजी क्लाइंट से हैंडशेक करता है और कहता है कि उसे उनके साथ काम करके अच्छा लगेगा। क्लाइंट कहता है कि वह बाद में डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को देना है या किसी और कंपनी को। कोजी कहता है कि कोई बात नहीं, वह उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और उन्हें इवनिंग में ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। क्लाइंट कहता है कि वह सोचकर बताएगा और वहां से जाने लगता है। निम उनसे आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तीनों एक एक करके टर्न होते हैं। कोजी भी उन्हें देखता है। तीनों निम को देखते हैं और आने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोजी निम से होटल वापस जाने के लिए कहता है और कहते हैं कि वह रात को लेट हो जाएगा। क्लाइंट कहते हैं कि अगर निम नहीं आएगी तो वे लोग भी नहीं जाएंगे। निम कह देती है कि वह भी जाएगी। उसके बाद क्लाइंट वहां से चला जाता है। रात को सब लोग बार में आ जाते हैं। कोजी उन्हें आने के लिए थैंक यू बोलता है और कॉन्ट्रैक्ट की बात स्टार्ट कर देता है। क्लाइंट कहता है कि वह खाना खाने के बाद काम के बारे में बात करेगा। कोजी कहता है कि कोई बात नहीं। तभी कोजी को एक कॉल आ जाता है और वह उठकर बाहर चला जाता है। तीनों निम को ही देखते रहते हैं। कोजी बाहर आकर कॉल रिसीव करता है। एक लेडी उससे फोन पर बात करती है पर अभी उसका पूरा फेस नहीं दिखाते। वह कोजी से डील के बदले डील करने को कहती है। कोजी कहता है कि वह कभी किसी काम में फेल नहीं हुआ। वह लेडी उससे निम को साथ लाने का रीजन पूछती है। अंदर निम क्लाइंट से सॉरी बोलती है कि उसका बॉस उसकी वजह से लेट हुआ। कोजी की तारीफ करके कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कंपनी को ही दे दो। बाहर कोजी उस लेडी से कहता है कि वह बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं करता और वह निम को अपने साथ इसीलिए लाया है क्योंकि क्लाइंट की बेटी की अभी डेथ हुई है। निम को बस वह काम के पर्पस से लाया है, पर्सनल मैटर्स के लिए नहीं। वह लेडी गुस्से में फोन रख देती है। कोजी सैड लगता है और अंदर आकर निम को क्लाइंट्स के साथ सिंगिंग करते हुए देखता है। कोजी निम को देखकर स्माइल करता है। निम क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक करती है। क्लाइंट का हेल्पर कोजी से कहता है कि उनके बॉस दोबारा सोचेंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। निम सिंगिंग करती रहती है। कोजी चुपके से निम की वीडियो बना लेता है और स्माइल करता रहता है। निम ड्रंक होती है तो कोजी उसे अपने बैग पर उठाकर लेकर आता है। निम सिंगिंग ही करती रहती है। कोजी हंसता रहता है और उसे होटल वापस ले आता है
और सोने के लिए कहता है। निम कहती है कि वह अपने रूम में जाकर सोएगी। कोजी उसे वहीं सोने के लिए कहता है। निम मान जाती है और अपनी शर्ट उतारने लगती है। कोजी उसे रोकता है तो निम कहती है कि उसे शावर लेना है और कंटिन्यूसली बोलती रहती है। कोजी उसे चुप करता है और कहता है कि आज उसकी वजह से वह बहुत थक गया है। निम कोजी से कहती है कि उसके लिए वह बहुत अच्छा बॉस है और उसे हक करके सो जाती है। कोजी उसे देखकर स्माइल करता है। सुबह निम सोती रहती है और कोजी शावर लेता है। बाहर आकर वह निम को नोजो में बुलाकर पूछता है कि क्या वह उठ गई। निम उसे देखकर शॉक हो जाती है। कोजी पूछता है कि क्या उसे याद है कल रात क्या हुआ था। निम पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया। कोजी कहता है कि वह ड्रंक थी और उसने बहुत कुछ किया। निम सैड हो जाती है और कहती है कि वह उसे जितना डांटना चाहे डांट सकता है और वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। कोजी निम के पास आकर कहता है कि क्या सच में। निम डर जाती है। कोजी उसे मोबाइल देकर कहता है कि ये पढ़ो क्या लिखा है। निम पढ़कर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्लाइंट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और पूछती है कि उसने ये कैसे किया। कोजी निम से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। निम उसे खुश होकर हक करने वाली होती है पर रुक जाती है। कोजी पूछता है कि क्या वह उसे हक नहीं करेगी। निम उसे पहले कपड़े पहनने के लिए कहती है। कोजी उसे भी जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है। कोजी शर्ट पहन रहा होता है तो निम उसकी बैक पर एक चोट का मार्क देखती है। कोजी निम को शॉपिंग कराने लाता है। निम कहती है कि वह अपने कपड़े खुद खरीद लेगी। कोजी उसे ड्रेस चूज करने के लिए कहता है। निम ड्रेसेस ट्राई करती है। कोजी ड्रेसेस को रिजेक्ट करता रहता है। एक ड्रेस उसे पसंद आ जाती है। निम कहती है कि ऐसी ड्रेस उसने कभी नहीं पहनी। निम कोजी को भी कपड़े खरीदने के लिए कहती है। कोजी भी ड्रेस चेंज करने आ जाता है और निम से पूछता है कि क्या वह हैंडसम लग रहा है। निम कहती है कि टेम्पल जाने के लिए परफेक्ट है। कोजी स्माइल करता है। निम प्रे करती है तो कोजी उसके साथ सेल्फी लेता है। निम पूछती है कि वह क्या कर रहा है। कोजी कहता है कि वह इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है इसीलिए एक पिक्चर ले रहा था। टेम्पल में कुछ लोग निम और कोजी को कपल बताते हैं। दोनों साथ में प्रे करते हैं। प्रेयर्स के बाद निम कोजी को थाई स्नैक्स के बारे में बताती है और उसे ट्राई करने के लिए कहती है। कोजी ट्राई करता है और कहता है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी है। निम उसके लिए आइस टी लेने जाती है तभी कोजी का फोन रिंग करता है। कोजी निम से कहता है कि वह अभी वापस आता है। निम के फ्रेंड्स उसे मैसेज करके कल रात के बारे में पूछते हैं। निम कहती है कि वह ड्रंक होकर सो गई थी। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। कोजी के वापस आने पर निम उसे आइस टी दे देती है। टी पीने के बाद कोजी सैड लगता है। निम पूछती है कि क्या हुआ। कोजी कहता है कि वह थक गया है। निम कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। कोजी कहता है कि काम की वजह से थका है। निम उसे वापस जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि अभी नहीं जाना चाहता और एक जगह जाकर उसकी टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। निम जगह के बारे में पूछती है। कोजी उसे बाथिंग सोना में लेकर आता है और उसे भी रिलैक्स करने के लिए कहता है। निम मना कर देती है। कोजी उसे जब तक कुछ खाने के लिए कहता है। निम चाय पीती रहती है तभी कोजी के फोन पर हजोबे का मैसेज आता है जिसमें अर्जेंट कॉल बैक करने के लिए लिखा होता है। निम कोजी को अंदर फोन देने जाती है तो स्टाफ उसे अंदर जाने के लिए कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। निम चेंज कर लेती है। अंदर मोबाइल ले जाना मना होता है पर निम छुपा कर ले जाती है। कोजी पूछता है कि उसने तो मना किया था फिर वे क्यों आई है। निम कहती है कि हजोबे ने अर्जेंटली कॉल बैक करने के लिए कहा था। निम जैसे ही फोन देने जाती है पानी में गिर जाती है। कोजी उसे देखता है। निम फोन भीगने से बचा लेती है। कोजी निम को बताता है कि हजोबे उन्हें एयरपोर्ट से पिक करने के लिए टाइम के बारे में पूछ रहा था। बस इतनी सी बात थी। निम उसे देखती रहती है। कोजी उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। निम ड्रिंक करने से मना करती है और कहती है कि कल उसने ड्रिंक करके ठीक नहीं किया था। कोजी कहता है कि पहले भी उसे कई बार प्रॉब्लम में डाल चुकी है वह उसे मना नहीं कर सकती। निम कहती है कि उसे डर है वह ड्रंक हो जाएगी। कोजी कहता है कि उसे उसके साथ रहकर डरने की जरूरत नहीं है। निम कहती है कि ड्रंक होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। कोजी कहता है कि फिर तो वह उस रात भी ड्रंक होगी। निम पूछती है कि कब की बात कर रहे हो। कोजी कहता है कि जब उसने उसे फोन करने के लिए कहा था। निम ये सुनकर शॉक हो जाती है और उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। निम कहती है कि वह उसे मैसेज करने वाली थी पर उससे उसका कार्ड खो गया था। कोजी पूछता है कि क्या मैसेज करने वाली थी। निम कहती है कि वह बस उसे ड्राइव सेफली कहना चाहती थी। कोजी कहता है कि ऐसा मैसेज कोई उसको क्यों करेगा जिसे उसने किस किया हो। निम चुपचाप ड्रिंक करने लगती है। कोजी उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इस बारे में वह बात नहीं करेगा और उससे पूछता है कि उसने टेम्पल में क्या विश मांगी। निम कहती है कि उसने जापान विजिट करने की विश मांगी है। कोजी पूछता है कि कभी वह जापान नहीं गई। निम मना कर देती है और कहती है कि वहाँ जाना एक्सपेंसिव है और इतना खर्च वह अफोर्ड नहीं कर सकती और उसे बताती है कि उसने जापानीज लैंग्वेज ही इसीलिए पढ़ी ताकि वह एक बार जापान जा सके और वहाँ जाकर माउंट फूजी और सकुरा ट्रीज देखना चाहती है। कोजी निम से कहता है कि वह उसे जापान ले जा सकता है। निम कहती है कि वह अपने बॉस के साथ वहाँ नहीं जाना चाहती क्योंकि फिर तो उसे वहाँ जाकर बस काम ही करना पड़ेगा। कोजी पूछता है कि फिर किस तरह वह उसके साथ जाना चाहेगी। निम उसे देखती रहती है। कोजी उसे ऑप्शन देता है एज अ फ्रेंड और
निम उसकी बातें बीच में रोक देती है और ड्रिंक लेने चली जाती है। कोजी स्माइल करता रहता है। निम बाहर आकर सोचती है कि क्या उसे अपने बॉस पर क्रश है। नेक्स्ट डे निम सोचती है कि वह अपने बॉस कोजी का हाथ पकड़कर चल रही है। कोजी उसे सपने से बाहर लाता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। निम स्माइल करके बोलती है कि सब ठीक है। एयरपोर्ट पर हजोबे उन्हें पिक करने आता है। कोजी निम से कहता है कि हजोबे उसे घर छोड़ देगा। निम कहती है कि वह टैक्सी लेकर चली जाएगी। हजोबे निम से कहता है कि उसे अपना ड्राइवर समझ लेना। निम कहती है कि फिर तो वह उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठेगी। निम कोजी से ऐसा करने का रीजन पूछती है। कोजी कहता है कि आज उसका फ्रंट सीट पर बैठने का मन है। क्या उसे कोई प्रॉब्लम है? निम चुपचाप उसे देखती रहती है। हजोबे निम से उसके घर का एड्रेस पूछता है। निम उसे एड्रेस बता देती है। हजोबे कहते हैं कि वह पहले बॉस को ड्रॉप कर देगा फिर उसे। कोजी मना कर देता है जाएगा। कोजी उसे ज्यादा बातें करने से मना करता है और ड्राइव करने के लिए कहता है। हजोबे उसे देखकर शॉक हो जाता है और ड्राइव करते हुए कोजी से पूछता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ठीक रही। कोजी कहता है कि पहले तो प्रेसिडेंट किराई ने कॉन्ट्रैक्ट उन्हें देने से मना कर दिया था पर किसी ने उनका माइंड चेंज कर दिया। हजोबे कहता है कि प्रेसिडेंट किराई जल्दी से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। फिर उसने ऐसा क्या किया? कोजी कहता है कि नुमनिम से उसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर हजोबे और कोजी बहुत हंसते हैं। निम कोजी से कहती है कि उसने पता है। कोजी हजोबे से कहता है कि क्या उसे पता चल गया कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। हजोबे हाँ कर देता है और कहता है कि उसे लगा था वे दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे क्योंकि उसका बॉस कोजी बहुत स्ट्रिक्ट है। निम कहती है कि उसकी वजह से उसके बॉस को प्रॉब्लम भी हुई। कोजी कहता है कि अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजोबे कोजी से पूछता है कि क्या उसने हेडक्वार्टर में बता दिया है कि सब ठीक रहा। कोजी कहता है कि उसने बता दिया, बस अब प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करना है। हजोबे कहता है कि वह इतना हार्ड वर्क करता है, उसे ब्रेक भी लेना चाहिए। हेडक्वार्टर उससे कुछ ज्यादा ही काम कराता है। कोजी कहता है कि उसे कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। निम कोजी को देखती है। कोजी हजोबे से कहता है कि वह थोड़ी देर सोना चाहता है, बहुत थक गया है। करती है। मॉर्निंग में निम दो लंच बॉक्स रेडी करती है। निम की मम्मी आकर पूछती है कि वह दो लंच बॉक्स क्यों लेकर जा रही है। निम कहती है कि उसने एक अपने डिनर के लिए रेडी किया है क्योंकि आजकल उस ऑफिस में लेट हो जाता है, और उनको बाय बोलकर चली जाती है। ऑफिस में निम काम करती रहती है और उसके बाद लंच बॉक्स निकालकर देखती है। तब कोजी देखने की कोशिश करता है पर निम उससे पूछती है कि उसे क्या काम है। कोजी कहता है कि क्या उसने मीटिंग की प्रिपरेशन कर ली है। निम कहती है कि सब रेडी है। कोजी वापस अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद निम फिर से बॉक्सेस निकालती है। कोजी फिर से बाहर आ जाता है और पूछता है कि वह दो लंच बॉक्स क्यों लाई है। निम कुछ सोचने लग जाती है। कोजी उसके आंसर का वेट करता है। निम कहती थी कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, उन्हें चलना चाहिए। कोजी उसे देखकर स्माइल करता है और टाइम चेक करता है और सोचता है कि अभी तो टाइम बाकी है। निम काम करने लग जाती है। कोजी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद निम रिलैक्स हो जाती है। सब मीटिंग सबको बताता है कि उनकी कंपनी को प्रेसिडेंट किराई का प्रोजेक्ट मिल गया है और इस प्रोजेक्ट का बजट 20 मिलियन है। इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट उसकी सेक्रेटरी निम को जाता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। निम सबको थैंक यू बोलती है। मीटिंग में मिस्टर मार्क के प्रोजेक्ट की डिस्कशन चलती रहती है। तब स्टाफ आकर बताती है कि एक क्लाइंट अर्जेंटली उनसे मिलने के लिए बोलो। वह क्लाइंट अंदर मीटिंग में ही आ जाता है। यह है मिस्टर मार्क जिनके प्रोजेक्ट पर वाइपरएक्स कंपनी काम कर रही है। कोजी मार्क को हेलो बोलता है और कहता है कि अगर वह पहले बता देता कि वह कंपनी में आ रहा है तो वह उसके आने की प्रिपरेशन कर देता। मार्क कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसी के प्रोजेक्ट की डिस्कशन चल रही है तो क्या वह देता है। मार्क कोजी से टकरा जाता है और जाकर कोजी की सीट पर बैठ जाता है। कोजी कुछ नहीं बोलता और जाकर साइड वाली सीट पर बैठ जाता है। मार्क कहता है कि वे लोग उसका प्रोजेक्ट करने में बहुत देर लगा रहे हैं और अगर उन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो वे अपने प्रोडक्ट 3 महीने बाद लॉन्च कर देगा। कोजी कहते हैं कि कम टाइम पर हो जाएगा, डोंट वरी। मार्क कहते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है उसके प्रोजेक्ट के लिए। मैनेजर उसे उसकी प्लानिंग बताता है। मार्क कहते हैं कि उसने न्यूट्रिशन और हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, बस उसका प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। कोजी उसे देखता रहता है। मार्क कहते हैं कि क्या बस यही सोचा है उन्होंने। कोजी कहता है कि उसका आइडिया था। मार्क कहता है कि फिर तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। स्टाफ को टेंशन हो जाती है। मार्क पूछता है कि क्या उनके पास कोई और आइडिया है। निम कहती है कि क्या वह कुछ बता सकती है। कोजी उसे परमिशन दे देता है। निम मार्क से कहती है कि अगर वह हेल्थ बेनिफिट पर ध्यान नहीं देना चाहता तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अच्छी कर दो। मॉडल क्यूट होनी चाहिए और हम प्रोडक्ट समर में लॉन्च कर रहे हैं तो एड की थीम बीच वाली होनी चाहिए। मार्क कोजी की तरफ देखकर क्लैपिंग स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उसे ये आइडिया पसंद आया। मैनेजर मार्क से कहता है कि वह उन्हें मॉडल्स की लिस्ट सेंड कर देगा, वे खुद से चूज कर सकते हैं। मार्क कहता है कि उसकी नजरों में एक मॉडल है पर पता नहीं वह उसके बॉस को पसंद आएगी या नहीं। मार्क मॉडल दिखाता है और कोजी को देखता है। स्टाफ भी मॉडल देखकर सोचने लगते हैं। कोजी को गुस्सा आ जाता है। निम भी कोजी को देखती है। मीटिंग के बाद निम अपने कलीग से मार्क के बारे में पूछती है। वे लोग शॉक होकर कहते हैं कि क्या वह मार्क को नहीं जानती। निम मना कर देती है।
वे बताते हैं कि कंपनी का हर एक एम्प्लॉय जानता है कि मार्क कौन है। वे बताते हैं कि मार्क कंपनी का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी क्लाइंट है, जिसको कोई भी चीज आसानी से पसंद नहीं आती। मार्क हैंडसम, यंग और रिच भी है, और टैलेंट वाइज वह उनके बॉस के लेवल का है। और मार्क अपनी गर्लफ्रेंड जल्दी जल्दी चेंज करता है, वह एक रियल कैसनोवा है, उसे काम में जरा सी भी गलती पसंद नहीं। और वह जानबूझकर इस मॉडल को चूज कर रहा है जो पहले बॉस की गर्लफ्रेंड थी। निम शॉक हो जाती है और अपने डेस्क पर आकर उस मॉडल के बारे में सर्च करती है, और कोजी और उसके साथ में पिक्चर्स देखती है। तभी कोजी पीछे से आकर कहता है कि उसे कब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होने लगा। निम कहती है कि उन्हें मॉडल चाहिए, तो इसीलिए चेक कर रही थी कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। कोजी उसकी बातें सुनकर स्माइल कर देता है और ऑफिस में जाते हुए कहता है कि उसे भूख लगी है। निम पूछती है कि वह क्या खाना चाहता है, वह ऑर्डर कर देगी। कोजी कहता है कि जो वह उसके लिए बना कर लाई है वही खाना चाहता है। निम कहती है कि उसे आजकल ज्यादा भूख लग रही है, तो वह अपने लिए दो लंच बॉक्स लेकर आई थी। कोजी उसकी बातें सुनकर मना करता है। निम उसे ऑर्डर करने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि अब वह कुछ नहीं खाना चाहता और ऑफिस में चला जाता है। प्लॉय छुपकर ये सब देखती रहती है। निम के कलीग्स उसे घर चलने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर बॉस के साइन लेने हैं, उसके बाद वह घर जाएगी। निम अंदर आती है और कोजी को सोते हुए देखती है। जो डॉक्यूमेंट निम को चाहिए वह कोजी के हाथ के नीचे होता है। निम डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करती है, कोजी उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। निम उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। कोजी उसका हाथ पकड़कर फिर से सो जाता है। निम पहले डॉक्यूमेंट निकालती है और उसके बाद अपना हाथ निकालती है। प्लॉय छुपके से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में सब लोग निम के बारे में गॉसिप करते हैं। निम के फ्रेंड्स उसे वहां से ले जाते हैं। निम को देखकर प्लॉय टॉन से कहती है कि आजकल कुछ लोग ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। निम प्लॉय से कहती है कि वे किसके बारे में बात कर रही है। प्लॉय उसे ऑफिस की ग्रुप चैट चेक करने के लिए कहती है। निम अपनी और कोजी की फोटो देखकर शॉक हो जाती है। कैफेटेरिया में भी सब लोग निम को ही देखते रहते हैं। निम जाकर अपने फ्रेंड्स के पास बैठ जाती है और उन्हें बताती है कि बॉस और उसके बीच कुछ नहीं है, वह बस डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। सब लोग फोटोज देखकर गलत समझ रहे हैं। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि वे पता लगा लेंगे कि फोटोज किसने लिए हैं और बॉस को भी बता देंगे। बॉस इस मैटर को खुद सॉल्व कर देंगे। निम उन्हें बॉस को कुछ भी बताने से मना करती है और कहती है कि वह बॉस के लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती। निम कोजी के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और उसे बताती है कि कंपनी ने इस मॉडल को इन्फॉर्म कर दिया है। ये कहकर निम वहां से जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है और पूछता है कि वह टेंशन में क्यों लग रही है। निम कहती है कि सब ठीक है और उसने ऐसा क्यों पूछा। कोजी कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे देखना नहीं चाहती। निम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कोजी कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह उसे बता सकती है। निम कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोजी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता और कहता है कि जब तक वह अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगी वह उसकी हेल्प कैसे करेगा, और वह नहीं चाहता उसके साथ काम करने वाले अनकंफर्टेबल फील करें। निम रूडली कह देती है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। कोजी सैड होकर उसे देखता है। निम कहती है कि कुछ रीजन है इसीलिए वह उसको नहीं बता सकती और रिक्वेस्ट करती है कि दोबारा मत पूछना। कोजी कहता है कि उसे लगा था वे एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। निम उसे देखती रहती है। कोजी कहता है कि अगर कुछ बात नहीं है करने के लिए तो वह जा सकती है, वह उसको और परेशान नहीं करेगा, और जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। निम थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी तो स्टेयर्स के पास आ जाती है। वहाँ वह मार्क को किसी लड़की के साथ देखती है। निम के हाथ से कैन गिर जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। मार्क उसे देख लेता है। निम जल्दी से चुपचाप आकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। मार्क आकर पूछता है कि उसने क्या देखा। निम डर जाती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी वहाँ निम की फ्रेंड आ जाती है और पूछती है कि आज तो उनकी मीटिंग नहीं है, फिर वह यहाँ क्यों आए हैं। मार्क कहता है कि वह उनकी एई से मिलने आया था और अभी कुछ ऐसा हुआ है कि उसे यहाँ आना जाना पड़ेगा। निम उसे देखती है। मार्क उसे निम का इंट्रोडक्शन कराने के लिए कहता है और कहता है कि मीटिंग में इसने अच्छे आइडियाज दिए थे, इसीलिए जानना चाहता है कि वह कौन है। वह बताती है कि नुमनिम है, बॉस की सेक्रेटरी। मार्क कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा। निम उसे हैंडशेक नहीं करती, बस हाथ जोड़कर हेलो बोल देती है और कहती है कि उसे अभी मीटिंग में जाना है, और वहां से चली जाती है। निम मीटिंग में मॉडल की ड्रेस के कलर ब्लू और पिंक सजेस्ट करती है। मार्क कहता है कि उसे आउटफिट्स अच्छे लगे। कोजी कहता है कि ये सब कॉन्सेप्ट में फिट नहीं लग रहे हैं। कोजी उन्हें येलो कलर चूज करने के लिए कहता है। मार्क निम से पूछता है कि उसे कौन सा आउटफिट अच्छा लगा। कोजी कहता है कि निम बस एक सेक्रेटरी है, उसे क्रिएटिव टीम से पूछना चाहिए। मार्क कहता है कि आइडिया उसी का था इसीलिए ओपिनियन मांग रहा है। कोजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वे इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं। मार्क कहता है कि सबकी ओपिनियन लेने में क्या प्रॉब्लम है और पिंक कलर में क्या बुराई है। कोजी कहता है कि वे ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है। मार्क कहता है कि ऑडियंस उसे पे कर रही है या वो। कोजी उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि अब वह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। मार्क कहता है कि ऐसा करना ही ठीक रहेगा क्योंकि वह उनका क्लाइंट है। कोजी स्माइल करता है और कहता है कि वह अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करता। मार्क कहता है कि इसीलिए लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोजी उसे देखता रहता है। मार्क कहता है कि उसकी एक और विश है पर पता नहीं वह पूरी कर पाएगा या नहीं।
कोजी कहता है कि वह कर देगा। मार्क उसे निम को इस प्रोजेक्ट की एई बनाने के लिए कहता है। निम शौक होकर उसे देखती है। कोजी भी निम को देखता है और मार्क से कहता है कि वह डिसीजन अभी नहीं ले सकता, उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मार्क निम से इस ऑफर के बारे में सोचने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वह इंटरेस्टेड है तो वह उसके बॉस से दोबारा बात कर लेगा। कोजी गुस्से से उसे देखता रहता है। निम और उसके कलीग्स आपस में मार्क के बारे में बातें करते रहते हैं। निम उन लोगों से पूछती है कि क्या वह ये सब कर लेगी। वे लोग कहते हैं कि अगर उसने मना किया तो मार्क बॉस के लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा और प्रोजेक्ट में चेंजेस करने के लिए कहेगा। निम सोच में पड़ जाती है। निम कोजी से डॉक्यूमेंट साइन कराने आती है। कोजी उससे कहते हैं कि अगर वह मार्क की एई नहीं बनना चाहती तो उसे बता सकती है। निम कहती है कि उसे मार्क की एई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोजी कहते हैं कि उसके पास सेक्रेटरी का काम भी है। निम कहती है कि अगर उन्होंने मार्क की बात नहीं मानी तो प्रोजेक्ट पर बात आ सकती है। कोजी कहते हैं कि वह सब इसीलिए कह रही है क्योंकि वह मार्क के साथ काम करना चाहती है। निम कहती है कि वह सब कंपनी के लिए कर रही है। कोजी कहते हैं कि वह सब अपने लिए कर रही है। निम पूछती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। कोजी गुस्से में कहता है कि अगर वह जॉब छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है और उसे लेकर परेशान मत होना क्योंकि हर लड़की उसकी सेक्रेटरी बनना चाहती है। निम शौक हो जाती है और कहती है कि वह सब अपने लिए ही कर रही है और वहां से चली जाती है। कोजी गुस्से में बैठा रहता है। अगले दिन निम कोजी के ऑफिस में डॉक्यूमेंट साइन कराने जाती है तो प्लॉय को ऑफिस से निकलते हुए देखती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। प्लॉय निम को मीटिंग रूम बुक करने के लिए कहती है। निम कहती है कि आज कोई मीटिंग नहीं है। प्लॉय कहती है कि बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में वह उनकी इंटरप्रेटर है। रात को निम पॉपी और म्यू के साथ बैठकर ड्रिंक करती है। म्यू कहती है कि उसने कभी ड्रिंक नहीं की, जॉब ने उसे अल्कोहलिक बना दिया है। पॉपी कहता है कि प्लॉय बहुत स्मार्ट है और वह उसकी सेक्रेटरी की जगह लेना चाहती है। निम उन्हें अपने बॉस कोजी की एक्टिंग करके बताती है कि आज उसने ऐसा कहा। वे दोनों पूछते हैं कि अब वह क्या करेगी। निम कहती है कि वह जॉब छोड़ देगी। दोनों उसे जॉब छोड़ने से मना करते हैं और बॉस से बात करने के लिए कहते हैं। निम कहती है कि अपने बॉस को देखकर वह जॉब नहीं छोड़ पाएगी। पॉपी कहते हैं कि सबको इग्नोर करो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। निम कहती है कि वह ऐसा कर सकती है और जॉब नहीं छोड़ेगी और एक और ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। घर आकर निम रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती है। अगले दिन निम ऑफिस आती है और उसके हाथ में फाइल्स के साथ साथ रेजिग्नेशन लेटर भी होता है। निम एचआर मैनेजर के रूम के बाहर खड़ी होकर सोचती रहती है। जैसे ही वह अंदर जाती है मैनेजर ही बाहर आ जाती है और पूछती है कि आज वह इतनी जल्दी ऑफिस क्यों आ गई। निम कहती है कि वह अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने आई है। मैनेजर शॉक हो जाती है और ऐसा करने का रीजन पूछती है और कहती है कि क्या उसे अपने सेक्रेटरी वाली जॉब पसंद नहीं आई। निम कहती है कि जॉब से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनेजर कहती है कि क्या वह एम्प्लॉय की वजह से छोड़ रही है क्योंकि वह उसके बारे में गॉसिपिंग कर रही है। मैनेजर उसे एम्प्लॉय की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहती है। निम कहती है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह छोड़ रही है जो अभी वह नहीं बता सकती। मैनेजर पूछती है कि उसने बॉस को ये बता दिया। निम मना कर देती है। मैनेजर बताती है कि कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव करना या ना करना बॉस के हाथ में है और वह उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसे बॉस से ही बात करनी पड़ेगी। वह बस उसका रेजिग्नेशन लेटर बॉस को सबमिट कर सकती है। बॉस साइन करें या ना करें इस बात की गारंटी नहीं है। निम उसे थैंक यू बोलती है। निम फाइल्स लेकर कोजी के ऑफिस में जाती है तभी उसे एक मैसेज आता है। निम मैसेज देखकर अंदर नहीं जाती तभी इन वहाँ आ जाती है। निम उसे बताती है कि अगर वह बॉस से मिलने आई है तो बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। इन कहती है कि वह उसी से मिलने आई है और उसे मार्क की एई वाली जॉब एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि वह उसकी टीम और मार्क के बीच कोऑर्डिनेटर बन जाएगी और ये जॉब बहुत इजी है। निम पूछती है कि क्या बॉस ने परमिशन दी है। इन कहती है कि इस बारे में उसने बॉस से मॉर्निंग में बात कर ली थी और उन्होंने अप्रूवल दे दिया। निम पूछती है कि क्या सच में। इन हाँ करती है और कहती है कि बॉस ने कहा है कि उसे अपनी मेन जॉब के लिए टाइम सेट करना पड़ेगा। निम कहती है कि फिर तो उसे एई की जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन खुश हो जाती है और कहती है कि वह बॉस से मिलने स्टूडियो जा रही है तो वह भी उसके साथ चल सकती है। निम कहती है कि क्या अभी जाना पड़ेगा। वह उसे 10 मिनट बाद बाहर मिलने के लिए कहती है। स्टूडियो में मॉडल का फोटोशूट चलता रहता है। कोजी भी वहीं पर होता है और मार्क भी उसी स्टूडियो में होता है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कोजी कैमरामैन से स्टॉप होने के लिए कहता है और मॉडल मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से जाकर कहता है कि वह अच्छा कर रही है पर उसे थोड़े और एफर्ट्स डालने के लिए कहता है। मार्क दोनों को देखता रहता है। मॉडल कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कैसा पोज देना है, क्या वह कोई आइडिया दे सकता है। कोजी अजोबे को देखता है। मॉडल कहती है कि क्या उसे वही पोज ट्राई करने चाहिए जैसे वह उसके साथ करती थी। कोजी उसका हाथ हटाकर उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है और स्टाफ से 15 मिनट्स का ब्रेक लेने के लिए कहता है। मार्क कोजी को देखता रहता है। कोजी आकर वहीं बैठ जाता है। मार्क उससे कहता है कि उसे मॉडल कैसी लगी। कोजी कहता है कि वह ठीक कर रही है पर उसे शायद शूटिंग कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। मार्क कहता है कि मॉडल ब्यूटीफुल है और उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। कोजी कहता है कि उनके क्लाइंट ने उसे चूज किया है तो वे रिजेक्ट नहीं करेंगे।
माँ कहते हैं कि क्या इसी रीजन की वजह से उसने अपनी सेक्रेटरी को उसके प्रोजेक्ट की एई बना दिया है। कोजी कहते हैं कि उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज चाहते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। माँ कहते हैं कि उसे ये कंपनी पसंद आई क्योंकि वे लोग पर्सनल मैटर से ज्यादा काम पर फोकस करते हैं। और पूछता है कि उसे नुमनिम के उसके साथ काम करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोजी कहते हैं कि अगर काम से रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ कहते हैं कि अगर काम से अलग हो तो। कोजी कहते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। माँ कहते हैं कि अपने ब्यूटीफुल सेक्रेटरी को लेकर ज्यादा पॉजेसिव मत होना, वह भी सब लड़की जैसी होगी जो अपने फायदे के लिए उसका यूज करती है। कोजी कहता है कि क्या जैसा वह कर रहा है बिल्कुल वैसे। माँ पूछता है कि उसने क्या कहा। कोजी कहता है कि बाकी लोगों का तो नहीं बता सकता पर नुमनिम ऐसी लड़की नहीं है। माँ कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। और कोजी से कहता है कि उसे तो अपनी सेक्रेटरी के साथ सीक्रेटली फ्लर्ट करने का चांस मिल गया। कोजी कहता है कि उसके जैसे लोग कोई काम सीक्रेटली नहीं करते, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, किसी लूजर की तरह नहीं जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरों की डिसरेस्पेक्ट करें। और कहता है कि उसे काम पर वापस जाना है। मार्क उसे जाते हुए देखता रहता है। इन और निम दोनों स्टूडियो पहुंच जाते हैं। निम इनसे पूछती है कि क्या सच में उसके बॉस ने उसे यहाँ आने के लिए अलाउ किया था। इन हाँ कर देती है और कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह भी काम में उसकी हेल्प कर देगी। निम अंदर आ जाती है और सब लोगों को देखती रहती है। इन काम के बारे में पूछती रहती है और निम को लेकर बॉस के पास आती है। हजो भी पूछता है कि वह लोग यहाँ कैसे आए। इन कहती है कि उसने ड्राइव किया। कोजी निम को देखता रहता है। निम भी उसे देखती है। हजो भी निम से पूछता है कि क्या वह पहली बार इस तरह के सेट पर आई है। निम हाँ कर देती है। हजो भी पूछता है कि क्या वह क्लाइंट से मिल चुकी है। निम मना कर देती है। तभी मार्क वहाँ आ जाता है। इन उससे पूछती है कि क्या शूटिंग अच्छी चल रही है। माँ कहते हैं कि फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है और उन्हें साथ में फोटोज चेक करने के लिए कहता है। सब लोग फोटोज देखते रहते हैं। माँ को फोटोज पसंद नहीं आती। कोजी रीजन पूछता है। माँ कहते हैं कि मॉडल को क्यूट दिखना चाहिए पर ये तो हार्ट ब्रोकन लग रही है। इन कहती है कि फोटोज तो अच्छे आ रहे हैं। माँ कहते हैं कि फोटोज कॉन्सेप्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। वो कोजी से कहता है कि क्या इस प्रोजेक्ट के लिए ये मॉडल ठीक नहीं है। कोजी कहता है कि मॉडल ठीक है, अगर हम उसे टाइम दें तो वे अपना स्टाइल चेंज कर सकती है। माँ कहता है कि उसे जो लगा उसने कहा, वह क्वालिटी चेक करने का काम उन लोगों का है। इन कहती है कि अगर उसे प्रोजेक्ट में चेंजेस कराने हैं तो आज की शूटिंग कैंसिल करके रीशेड्यूल करनी पड़ेगी। मार्क मना कर देता है और कहता है कि उन्हें आज ही कोई और मॉडल ढूंढनी पड़ेगी जो उनके कॉन्सेप्ट को मैच करे और मॉडल जैपनीज होनी चाहिए। इन शॉक हो जाती है। माँ कहते हैं कि वह हर जगह ये न्यूज फैला देगा कि वाइपर एक्स कंपनी बहुत स्लो है। निम कहती है कि वह कोई रास्ता निकाल लेगी। कोजी उसे इस काम में इन्वॉल्व होने से मना करता है और कहता है कि वह ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगा। माँ कहते हैं कि अगर एक घंटे में दूसरी मॉडल ना मिली तो वह वाइपर एक्स के साथ साइन किए गए सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा। कोजी उसे देखता रहता है। सब लोगों को टेंशन हो जाती है। मॉडल गुस्से में वहां से चली जाती है। सब लोग नई मॉडल ढूंढने में लग जाते हैं। कोजी हजो बस उन सारी जापानीज मॉडल्स को कॉल करने के लिए कहता है जो अभी थाईलैंड में है। निम कोजी के पास आती है। कोजी उसे इस मैटर में इन्वॉल्व होने से मना करता है। निम को सजेस्ट करने वाली होती है पर कोजी उसे बीच में ही रोककर वहां से जाने के लिए कहता है। निम वहां से चली जाती है। कोजी उसे जाते हुए देखता रहता है। सब लोग मॉडल्स को ही कॉन्टेक्ट करने में लगे रहते हैं। माँ किसी से फोन पर बातें करते हुए कहता है कि न्यूज इतनी जल्दी जापान तक भी पहुंच गई और अगर वाइपर एक्स फेल हुई तो गेम ओवर हो जाएगा। उनके पास सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं। अब तक उन्हें कोई मॉडल नहीं मिली। कोजी टेंशन में बैठा रहता है। निम कुछ सोचती रहती है। कोजी आकर मार्क से कहता है कि उसने एक गर्ल ग्रुप से कॉन्टेक्ट किया है, वे कल तक ही पहुंच पाएंगे तो शूटिंग कल ही रखनी पड़ेगी। माँ कहते हैं कि ठीक है पर उसकी एक कंडीशन है। सब लोग उन दोनों को देखते हैं। माँ कहते हैं कि कोजी को नीचे बैठकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। हजोबे को गुस्सा आ जाता है पर कोजी उसे रोक देता है और अपना कोट उतारता है। हजोबे उसे ऐसा करने से मना करता है। कोजी उसे अपना कोट देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, वह कर लेगा। कोजी नीचे बैठ जाता है और माफी मांगने ही वाला होता है। तभी निम आकर कहती है कि उसने मॉडल ढूंढ ली और मॉडल होती है जापानीज आइडल मियाकावा अजुकी, जिसकी निम और कोजी ने बार में हेल्प की थी। तीनों उसे देखते रहते हैं। मार्क उसे पहचान लेता है। अजुकी मार्क से कहती है कि जल्दी बताओ उसे क्या करना है, वह पूरा दिन फ्री नहीं है। हजोबे उसे अपने साथ ले जाता है। कोजी और निम एक दूसरे को देखते रहते हैं। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। कोजी स्माइल करता रहता है और मार्क उस समय बैठा रहता है। कोजी उससे कहता है कि उसे उसकी सेलेक्ट की हुई मॉडल पसंद आई होगी और उठकर वहां से चला जाता है। मार्क एम्बेरस फील करता है। इन निम से पूछती है कि वह अजुकी को कैसे जानती है। वह तो एक टॉप आइडल है और उसका शेड्यूल भी बहुत बिजी है। वह बहुत टाइम से उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर हर बार फेल हो जाती थी। निम बताती है कि कंपनी में जॉब करने से पहले वह एक बार अजुकी से मिली थी। इन कॉल रिसीव करने चली जाती है।
फोन होता है मिस रीना का और वह इनसे कहती है कि उसने मॉडर्न ढूंढ ली है और वह 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। इन कहती है कि अब जरूरत नहीं है, उन्हें मॉडल मिल गई है। रीना शौक होकर पूछती है कि मॉडल कौन है। इन खुश होकर मियाँ का आवाज़ों की बताती है। रीना पूछती है कि ओजुकी को किसने कांटेक्ट किया। इन बताती है कि बॉस की सिक्योरिटी नुमनिम ने उसे कांटेक्ट किया। रीना फोन कट कर देती है और ऑफिस फोन से अभी थाईलैंड का टिकट बुक करने के लिए कहती है। हजोबे सबसे कहता है कि शूटिंग पूरी हो चुकी है। सब लोग खुश हो जाते हैं। अजुकी आकर निम को हक कर लेती है और कहती है कि उसे याद करने के लिए थैंक यू। पर निम कोजी को देखती रहती है और अजुकी से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। अजुकी कहती है कि उन्होंने भी उसकी हेल्प की थी, इसीलिए उसे भी रिपे करना था और उसके मैनेजर पर जल्दी ही केस फाइल होने वाला है। निम कहती है कि तो बहुत अच्छी बात है और फिर से कोजी को देखने लग जाती है। कोजी भी निम को ही देखता रहता है। बाहर आकर मार्क निम को थैंक यू बोलता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर वह ना होती तो वह प्रॉब्लम में फंस जाता। कोजी उसे देख लेता है। मार्क निम से कहता है कि इस फेवर के बदले में अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उसे बता सकती है, वह उसे सब कुछ दे सकता है और फोर्सली उसे हक कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। कोजी उसे गुस्से से देखता है और आकर निम से कहता है कि वह किसी को भी अपने आप को टच करने कैसे दे सकती है। निम कहती है कि मार्क उनका क्लाइंट है। कोजी गुस्से में कहता है अगर वह क्लाइंट है तो क्या वह उसकी सारी विशेष पूरी करेगी और अपने आप को भी ऑफर कर देगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। निम शॉक होकर उसे देखती है। कोजी चिल्ला कर कहता है कि क्या वह भूल गई है कि वह उसकी सेक्रेटरी भी है। निम कहती है कि उसी ने उसे दोनों जॉब करने की परमिशन दी है। कोजी कहता है कि क्या उसने उससे हेल्प मांगी थी, वह खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या उसे समझ आ गया और वह ये सब इसीलिए नहीं कह रहा है कि वह फ्रस्ट्रेटेड है। निम इस मैटर में इन्वॉल्व होने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि वह बस यही चाहती थी कि काम ठीक से हो जाए। क्या उसने इतनी बड़ी गलती कर दी? कोजी कहता है कि वह चाहता है कि वह सही जॉब करे। निम कहती है कि फिर उसे दूसरी जॉब में मत उलझाओ। उसने ट्रांसलेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर उसे उसने सेक्रेटरी बना दिया और अब एई बना दिया। उसे नहीं पता वह ये सब कैसे करेगी। कोजी उसे समझाने की कोशिश करता है पर निम उसकी बात रोक कर बीच में ही बोल देती है कि अगर उसे उसके साथ काम करके अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो कुछ दिन और टॉलरेट कर लो। कोजी उसे नजों में बुलाता है। निम कहती है कि उसने रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया है और कहकर वहाँ से चली जाती है। कोजी सैड हो जाता है। निम स्टूडियो के बाहर बैठकर रोती रहती है। इन आकर पूछती है कि वह क्यों रो रही है। मार्क निम को मैसेज करके पूछता है कि वह काम से कब तक फ्री होगी। निम इनसे कहती है कि मार्क उसे मैसेज कर रहा है पर वह तो अपना नंबर किसी को नहीं देती। इन कहती है कि उसने दे दिया था। मार्क बहुत स्ट्रिक्ट है तो उन्हें अपने क्लाइंट से कनेक्शन रखना पड़ता है। इन उसे मार्क से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। निम उसे 6 बजे का मैसेज करती है। मार्क उसे कल डिनर पर चलने के लिए कहता है। निम मना करती है तो मार्क उसे दोबारा मैसेज करके कहता है कि वह डिनर पर काम के बारे में डिस्कस कर लेंगे और वह कल आकर उस ऑफिस से पिक कर लेगा। निम सैड हो जाती है। अगले दिन निम ऑफिस में बैठी हुई डायरी गंदी करती रहती है और कुछ सोचती रहती है। कोजी ऑफिस में आते हुए दूर से उसे देखता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। निम भी उसे देखती है और कुछ बोलने वाली होती है पर कोजी कहता है कि अभी हांगकांग वाले क्लाइंट के साथ उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, वह उससे बाद में बात करेगा और अंदर चला जाता है। निम सैड हो जाती है। कोजी गेट पर ही खड़ा हो जाता है और सैड लगता है। निम कॉफी बनाती रहती है और सोचती रहती है। हजोबे आकर कहता है कि इस तरह तो कब टूट जाएगा, क्या उसे कोई टेंशन है या कोजी उससे ज्यादा काम करा रहा है। निम मना कर देती है और कहती है कि वह तो बस कुछ सोच रही थी। हजोबे कहता है कि अगर कोजी ने उसके साथ कुछ बुरा किया तो उसे बता देना, वह प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। निम कहती है कि वह उसका बॉस है तो कैसे भी बिहेव कर सकता है। हजोबे निम से रिजाइन न करने के लिए कहता है। निम कहती है कि वह भी जानता है इस बारे में। हजोबे कहता है कि कोजी अपने काम को इम्पोर्टेंस देता है और वह मार्क से नीचे बैठकर सॉरी बोलने के लिए इसीलिए रेडी हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसका काम अधूरा है और वे लोग लकी हैं कि उसने उनकी हेल्प की। निम कहती है कि उसने इतना कुछ नहीं किया। हजोबे कहता है कि बॉस और सेक्रेटरी दोनों ही काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं और कहता है कि वह दोनों एक परफेक्ट मैच हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे बात करो, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। निम इनसे मार्क के साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है। इन कहती है कि वह बिजी है। निम उसे रिक्वेस्ट करती है पर इन कह देती है कि उसे कुछ और इम्पोर्टेंट काम है और कहती है कि मार्क अच्छा इंसान है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। इन उसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। निम कहती है कि वह चली जाएगी। इन उसे गुड लक बोलती है। निम टेंशन में लगती है और कोजी के फ्री होने का वेट करती रहती है। उसका कलीग आकर कुछ फाइल लेकर कहता है कि इन पर बॉस के साइन चाहिए और कहते हैं कि आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो कुछ पेंडिंग भी पड़े हैं, बॉस इतना काम करके थक जाते होंगे। निम पूछती है कि क्या बॉस हमेशा ही ऐसे काम करते हैं। वह निम को बताता है कि अगर काम पूरा नहीं होता तो बॉस घर भी नहीं जाते और उसे डर है बॉस इस तरह बीमार हो जाएंगे। निम उसकी बातें सुनती रहती है। वह निम को फाइल साइन कराने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। निम कोजी के बारे में ही सोचती रहती है और उठकर फाइल चेक कराने जाती है।
कुजी बैठा हुआ कुछ और सोचता रहता है। निम डॉक्यूमेंट रख कर कहती है कि इन पर साइन कर देना। कुजी निम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मत जाओ। निम कहती है कि वे क्लाइंट से किया हुआ प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहती और वह इस पोजीशन पर भी नहीं है कि क्लाइंट को मना कर दे। कुजी कहते हैं कि वह मना कर सकती है पर नहीं कर रही है। निम कहती है कि क्लाइंट से मिलने का टाइम हो चुका है। कुजी कहते हैं कि वह उसे छोड़ देगा। निम कहती है कि वह खुद चली जाएगी। कुजी जन पूछता है तो निम कहती है कि वह नहीं चाहती कि अब उसके लिए वह कुछ करे और अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। कुजी सैड हो जाता है। निम बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी मार्क वहां जाता है और कहता है कि वह आधे घंटे से वेट कर रहा है। निम उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि कुछ काम आ गया था। माँ कहता है कि वह डिप्रेस क्यों लग रही है, क्या उसके बॉस ने उसे डांटा। निम कुछ नहीं बोलती। माँ उसे चलने के लिए कहता है और उसकी बैग पर हाथ रख लेता है। निम उसका हाथ हटा देती है और कहती है कि वह खुद चली जाएगी और जाकर कार के पास खड़ी हो जाती है। कोजी भी बाहर आ जाता है और उन्हें जाते हुए देखता है। निम और कोजी एक दूसरे को देखते रहते हैं। मार्क उसे लेकर चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद कोजी वापस ऑफिस में आ जाता है। लॉय भी उसके पीछे आती है और अपने फोन में मार्क और निम के फोटोज देखती है जो उसने सीक्रेटली क्लिक किए थे। मार्क और निम डिनर करते रहते हैं। मार्क निम से कहता है कि वह कुछ खा क्यों नहीं रही है, क्या उसे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा। निम कहती है कि उसे भूख नहीं लग रही। मार्क कहता है कि गर्ल्स फिट रहने के लिए कम खाती हैं पर वह तो पहले से ही फिट लग रही है। निम कहती है कि उसे सच में भूख नहीं है। माँ कहते हैं कि उसका बॉस उसे उसके साथ देखकर खुश नहीं लगा। निम कुछ नहीं बोलती। माँ कहते हैं कि उसका बॉस उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। निम कहती है कि वह उसकी एम्प्लॉय है और कुछ नहीं। माँ कहते हैं कि शुरुआत में पता लगाना मुश्किल था कि वह कोजी के लिए क्या फील करती है पर उसे अब समझ आ गया है कि वे दोनों सेम हैं। निम पूछती है कि सेम कैसे हैं। माँ कहते हैं कि वह कोजी को अपने फायदे के लिए डेट कर रही है। निम शॉक हो जाती है और कहती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और पूछती है कि उसे क्या चाहिए। उसने बोल तो दिया है वह उसके और उस लेडी के बारे में किसी को नहीं बताएगी। माँ कहते हैं कि उसने बहुत सारी गर्ल्स को डेट किया है और उसे देखकर बता सकता है। निम कहती है कि वह अपने बॉस के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। माँ कहते हैं कि अगर फायदे के लिए नहीं तो क्या वह अपने बॉस को सच में पसंद करती है और हंसकर कहता है कि वह अब उसे परेशान नहीं करेगा। मार्क निम से कहते हैं कि कोजी उसमें इंटरेस्टेड है। निम पूछती है कि वह क्या कह रहा है। माँ कहते हैं कि वह भी एक बिजनेसमैन है और बहुत सारी गर्ल्स पैसों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हैं पर कोई सिंसियर लड़की ढूंढना मुश्किल होता है। निम पूछती है कि इन सबसे उसका क्या लेना देना। माँ कहते हैं कि उसके साथ फ्लर्ट करना मुश्किल है, इसीलिए पहले तो वे सब फन के लिए कर रहा था पर अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और कोजी के साथ इस चैलेंज में मजा आएगा। कोजी ऑफिस में काम करता रहता है और निम के बारे में ही सोचता रहता है। हज़ो भी कोजी के लिए कॉफी लेकर आता है और पूछता है कि क्या उसका इरादा सुबह तक ऑफिस में रुकने का है। कोजी कहता है कि जब काम पूरा हो जाएगा चला जाएगा। हज़ो भी कहता है कि उसे नहीं लगता काम जल्दी हो जाएगा। हज़ो भी उसे ज्यादा काम करने से मना करता है। कोजी कहता है कि वे ज्यादा काम नहीं कर रहा। हज़ो भी कहता है कि फिर तो उसे घर जाना चाहिए, ऑफिस में क्या कर रहा है या फिर उसे किसी के वापस आने का इंतजार है। कोजी कहता है कि वह बस घर वापस ही जा रहा है। हज़ो भी कहता है कि उसने अर्जुन निम से बात की थी। कोजी कहता है कि वह उसके बारे में बात क्यों कर रहा है। हज़ो भी कहता है कि उसे पता होना चाहिए उसकी सिक्योरिटी लाइफ में क्या चल रहा है। कोजी कहता है कि उसे नहीं पता और निम के बारे में बात करने से मना करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं जानना। हज़ो भी कहता है कि क्या उसका झगड़ा हुआ है। उसने उन दोनों की फोटोज ग्रुप चैट में देखी थी, दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। कोजी कहता है कि वह किन फोटोज के बारे में बात कर रहा है। हज़ो भी कहता है कि क्या उसने वे फोटोज नहीं देखे और अपना फोन निकाल कर उसे फोटोज दिखा देता है। कोजी फोटोज देखता है। हज़ो भी कहता है कि क्या यही रीजन है उनकी फाइटिंग का। कोजी उस आंसर नहीं करता। अगले दिन निम ऑफिस आती है। मार्क उसे मैसेज करके कहता है कि उसके साथ डिनर करके अच्छा लगा। ऑफिस स्टाफ अपने फोन में कुछ देखकर निम को देखते रहते हैं। निम आकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और अपना फोन चेक करती है। ग्रुप चैट में अपनी और माँ की फोटोज देखकर शॉक हो जाती है। तभी प्लॉय वहाँ आ जाती है और निम को गुस्से से देखकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। कोजी बाहर आकर निम से भी अंदर आने के लिए कहता है। कोजी प्लॉय से कहता है कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है और उसे निम की परमिशन के बिना उसके फोटोज लेने का कोई राइट नहीं है। प्लॉय कहती है कि निम ट्रस्टवर्थी नहीं है और जब से आई है प्रॉब्लम्स ही खड़ी कर रही है। कोजी निम को देखता है। निम प्लॉय से कहती है कि अब तो वह माँ के साथ काम कर रही है तो उसे खुश होना चाहिए। प्लॉय निम से आर्ग्यू करती है। कोजी उसे रोक देता है। प्लॉय कोजी से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसने ये सब इसीलिए किया ताकि कंपनी की इमेज खराब ना हो, अगर काम से रिलेटेड नहीं होगा तो वह दोबारा नहीं करेगी। कोजी कहता है कि इसे दोबारा मत करना और उसे जाने के लिए कहता है। निम भी उठकर जाने लगती है पर कोजी उसे रोक लेता है। निम वापस बैठ जाती है। कोजी निम को समझाता है कि उसे क्लाइंट से ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। निम कहती है कि वह मार्क क्लोज नहीं है। कोजी कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में मत लाओ, ऐसा करने से उसकी कंपनी पर फर्क पड़ेगा। निम कहती है कि वह अगली बार ध्यान रखेगी और उठकर वहां से चली जाती है। निम बाहर आकर खड़ी हो जाती है। मार्क आकर कहता है कि आज तो वह खुश लग रही है। निम उसे रूडली हेलो बोलती है
मार्क पूछते है कि वैसे बात क्यों कर रही है। निम कहती है कि अगर वह काम के बारे में बात करने आया है तो वह फाइल्स लेकर आती है। मार्क उसे रोक देता है और कहता है कि उसे कंपनी अजीब लगी क्योंकि एम्प्लॉयज उससे रूडली बात कर रहे हैं जबकि अपने जापानीज बॉस से स्वीटली बात करते हैं। मार्क उसे ड्रिंक ऑफर करता है पर निम कैन नहीं पकड़ती। निम कहती है कि अगर उसे काम के बारे में बात नहीं करनी तो वह जा रही है। मार्क निम का हाथ पकड़ लेता है। निम हाथ छोड़ने के लिए कहती है। मार्क नहीं छोड़ता। तभी कोजी वहां आ जाता है और कहता है कि वह उसे काम करने के पैसे देता है, खेलने के नहीं। मार्क कहता है कि निम खेल नहीं रही थी, उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था, इसीलिए उसने निम को बाहर बुलाया था। कोजी कहता है कि अगर उसे काम के बारे में बात करनी है तो वह मीटिंग रूम यूज कर सकता है। मार्क सॉरी बोलता है और कहता है कि उसकी एम्प्लॉय कुछ ज्यादा ही क्यूट है। निम उसे देखती रहती है। कोजी को भी गुस्सा आ जाता है। मार्क निम से कहता है कि वह उसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा और वहां से चला जाता है। कोजी गुस्से में अंदर चला जाता है। निम को टेंशन हो जाती है। थोड़ी देर बाद निम अंदर आती है तो उसे रास्ते में कोजी मिल जाता है और कहते है कि वे अपनी हेल्प नहीं कर सकती तो मार्क से मिलने के लिए क्यों गई थी। निम कहती है कि मार्क उसके पास आया था और क्लाइंट से बात करना उसकी जॉब है। कोजी चिढ़कर कहता है कि क्लाइंट से काम के बारे में बात करती है या डिनर पर उसके साथ काम से अलग बातें करती है। निम कहती है कि उसे मार्क के साथ डिनर करके अच्छा लगा और क्या वह भी सुनना चाहेगा कि उन्होंने क्या क्या बातें की। कोजी कहते है कि क्या वह उसे गुस्सा दिलाना चाह रही है। निम मना करती है और कहती है कि वह नहीं चाहती कि वह उसके बारे में गलत आइडिया लगाए। निम कहती है कि वह जब भी मार्क से बात करेगी उसे कॉल कर दिया करेगी। कोजी उसे चुप कर देता है और कहता है कि वह बस उसे केयरफुल रहने के लिए कह रहा है। निम रूडली कहती है कि उसे पता है मार्क कैसा आदमी है और वह ध्यान रखेगी और कहकर वहां से चली जाती है। कोजी सैड होकर उसे देखता रहता है। ऑफिस में बैठकर कोजी कुछ सोचता रहता है। हजोबे उसे बार बार बुलाता है पर उसका ध्यान कहीं और होता है। हजोबे क्लबिंग करके कहता है कि क्या वह उसकी बातें सुन रहा है। कोजी हाँ कर देता है और कहता है कि वह बाकी का काम भी पूरा कर देगा। हजोबे कहता है कि वह काम के बारे में बात नहीं कर रहा है, नाइट आउट की बात कर रहा है और आजकल वह कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, उसे रेस्ट की जरूरत है नहीं तो वह बीमार पड़ जाएगा। कोजी कोई आंसर नहीं करता। हजोबे कहता है कि उसने आज निम को रोते हुए देखा। कोजी उसे देखता रहता है। हजोबे कहता है कि निम बहुत दिनों से टेंशन में लग रही है, उसने उसके साथ क्या किया है। कोजी कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, हर बार की तरह काम करने के लिए ही कहा है। हजोबे कहता है कि एक जेलस लड़का कभी क्यूट नहीं लगता। कोजी उसकी बातें सुनता रहता है। हजोबे कहता है कि यहाँ कोई डेली सोप नहीं चल रहा है। कोजी कहता है कि कौन जेलस है और वह किसके बारे में बात कर रहा है। हजोबे कहता है कि शायद कोई निम को लेकर जेलस भी है और अपसेट भी। कोजी गुस्से में कहता है कि हो सकता है और हजोबे को देखता रहता है। हजोबे कहता है कि क्या उसने निम से कभी उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा है। कोजी कुछ नहीं बोलता। हजोबे कहता है कि उसे निम से बात करनी चाहिए, क्या पता वह उसके मनाने का वेट कर रही हो। तभी कोजी बेहोश हो जाता है। हजोबे उसे चेक करता है और कहता है कि उसे तो हाई फीवर है। हजोबे उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अगले दिन निम ऑफिस आती है तो एचआर मैनेजर उसे बताती है कि कल बॉस वर्कलोड की वजह से बेहोश हो गए थे, इसीलिए आज वे छुट्टी पर हैं। निम शॉक हो जाती है। एचआर मैनेजर कहती है कि उसे एक डॉक्यूमेंट पर बॉस के अर्जेंट साइन चाहिए पर अब नहीं पता कि वह क्या करेगी। तभी हजोबे आकर कहता है कि बॉस ने उसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके घर लाने के लिए कहा है। निम कहती है कि वह डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में हेल्प कर देगी, फिर वह बॉस के पास जा सकता है। हजोबे कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है इसीलिए वह उसके पास आया है। निम शॉक हो जाती है। हजोबे कहता है कि यह डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वह इन्हें लेकर बॉस के पास जा सकती है। निम कहती है कि उसको कुछ काम बाकी है। हजोबे कहता है कि उसने बॉस से बात कर ली है, उसे अभी वह काम करने की जरूरत नहीं है। तीनों उन्हें बातें करते हुए देखते रहते हैं। हजोबे कहते हैं कि ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निम कहती है कि क्या उसे जाना पड़ेगा। हजोबे हाँ कर देता है। निम कहती है कि उसे नहीं पता बॉस कहाँ रहते हैं। हजोबे कहते हैं कि वह लोकेशन शेयर कर देगा। डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि उसकी प्लीज हेल्प कर दो और थैंक यू बोलता है। एचआर मैनेजर कहती है कि अगर वह जा ही रही है तो उसका भी डॉक्यूमेंट साइन करा कर ले आना। हजोबे कहता है कि बॉस रेस्ट करने के लिए बोल देना और उनको मेडिसिन और खाना दे देना क्योंकि उनके पास उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है और कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में निम कोजी के लिए मेडिसिन खरीदती है और खाना भी ले लेती है। निम से फाइल्स नीचे गिर जाती है और उनमें वह अपना रेजिग्नेशन लेटर देखकर कुछ सोचने लगती है। उसके बाद निम उस बिल्डिंग में आती है जहां कोजी रहता है। निम रिसेप्शनिस्ट से आकर कोजी का रूम नंबर पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसका आईडी कार्ड देकर उसे बता देती है। निम आकर डोरबेल बजाती है। कोजी बाहर आ जाता है। उसे ऐसे देखकर निम शाई फील करती है। कोजी उसे देखकर स्माइल करता है और पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है। निम कहती है कि हजोबे को कुछ काम आ गया था इसीलिए उसकी जगह उसे आना पड़ा। कोजी कहते हैं कि उसका कोई बहाना होगा, वह उसकी सैलरी कट कर लेगा। निम उसे मना करती है और टच करने के लिए सॉरी बोलती है। कोजी स्माइल करता रहता है और पूछता है कि क्या वह डॉक्यूमेंट साइन कराने आई है। निम हाँ कर देती है। कोजी उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। अंदर आकर निम बैग से सामान निकालती है और कोजी को ऐसा देखकर डर जाती है। कोजी उसके पास आकर पूछता है कि वह उसके लिए क्या लेकर आई है।
निम उसे दिखा देती है। कोजी कहते हैं कि क्या हजोबे ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। निम कहती है कि अगर वह ज्यादा दिन बीमार रहा तो कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए खुद ही लेकर आ गई। कोजी कहता है कि अगर वह उसे अवॉइड कर रही है तो उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और उसे देखकर स्माइल करता है और पूछता है कि वह क्या सोच रही है। निम कहती है कि वह बीमार है तो उसे शर्ट पहननी चाहिए। कोजी और पास आकर रीजन पूछता है तो निम फाइल्स उठाकर उसे साइन करने के लिए कहती है। कोजी स्माइल कर देता है और डॉक्यूमेंट साइन करने लगता है। कोजी निम का रेजिग्नेशन लेटर देखता है। निम आकर लेटर ले लेती है और कहती है कि इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कोजी उसे देखता है और वापस साइन करने लगता है। कोजी निम से कहता है कि अगर कुछ और काम नहीं तो उसे वापस जाना चाहिए। निम कहती है कि वह जानता है वह बीमार है तो काम क्यों कर रहा है। कोजी कहते हैं कि अर्जेंट काम है। निम कहती है कि अगर वह रेस्ट नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा। कोजी कहते हैं कि वह कर लेगा। निम उसे जिद्दी बताती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ खाया और मेडिसिन ली। कोजी कोई आंसर नहीं करता, बस चुपचाप काम करता रहता है। निम कहती है कि वह उसकी हेल्प कर देगी। कोजी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, वह एम्प्लॉय से कह देगा उन्हें रीचेक करने के लिए। निम कहती है कि फिर तो उसे एम्प्लॉय को ही अपनी सेक्रेटरी बना लेना चाहिए और उसे दो बार इंटरप्रेटर बना दो। कोजी उसे देखता रहता है। निम कहती है कि वैसे अब इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वह जॉब छोड़ रही है, और लेटर टेबल पर रखकर वहां से जाने लगती है। कोजी उसे रोकने जाता है पर एक्सीडेंटली गिर जाता है और निम से पूछते है कि क्या वह उसे किस कर सकता है, और अगर उसने कोई आंसर ना किया तो वह हाँ समझेगा। कोजी उसे किस करने वाला होता है, तभी उसका सपना टूट जाता है। कोजी उसे उठने के लिए कहता है। निम शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद कोजी निम से जॉब छोड़ने का रीजन पूछता है। निम कहती है कि उसने इंटरप्रेटर की जॉब के लिए अप्लाई किया था पर उससे बहुत सारे काम कराए जा रहे हैं, उससे मिस्टेक भी हो जाती हैं, जैसे मार्क एम्प्लॉय के साथ हुई। कोजी कहता है कि क्या वह इन सब चीज़ों की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। निम मना कर देती है। कोजी पूछता है कि फिर क्या ये सब फोटोज की वजह से कह रही है, और कहता है कि लोग कुछ दिन बाद इस बारे में बात करना बंद कर देंगे, और उसने उसकी स्किल्स और एटीट्यूड देखकर चूज किया है, और कहते हैं कि शायद उसने उसे नहीं बताया पर वह अपनी जॉब बहुत अच्छे से कर रही है। निम खुश हो जाती है। कोजी पूछता है कि वह बार बार अपने नोज को क्यों टच करती है, क्या उसे उसकी वजह से कोल्ड हो गया है। निम कहती है कि वह जब भी नर्वस होती है तो ऐसा ऑटोमेटिकली करने लगती है, और पूछती है कि वह ऐसा करते हुए अगली लगती है ना। कोजी कहते हैं कि वह क्यूट लगती है। निम स्माइल कर देती है। कोजी भी स्माइल करने लगता है। कोजी कहते हैं कि वह जॉब नहीं छोड़ेगी ना। निम हाँ कर देती है। कोजी कहते हैं कि क्या वह कुछ और बताना चाहती है। निम कहती है कि एक बात और है। कोजी कहता है उस दिन मार्क के साथ देखकर उसने उसे डांट दिया था तो उसके लिए सॉरी, उसे बस गुस्सा आ गया था और वह उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। निम कहती है कि वह इस बारे में बात नहीं कर रही थी। कोजी उसे देखता है। निम पूछती है कि वह खाना कब खाएगा, उसे बाद में मेडिसिन भी लेनी है। कोजी कहता है कि अभी खाना चाहता है। निम उसके लिए खाना गर्म करने चली जाती है। कोजी उसे देखता रहता है। अब एंट्री होती है मिस रीना की, जो अभी अभी बैंकॉक आई है। सूप पीकर कोजी कुछ सोचने लगता है। निम पूछती है कि क्या उसे सूप अच्छा नहीं लगा। कोजी कहता है कि वह किसी के बारे में सोच रहा है जिसे पता था कि उसे कॉर्न सूप बहुत पसंद है और वह उसके लिए रोज लेकर आती थी, पर अब वह जा चुकी है और उसके बाद उसने कभी कॉर्न सूप नहीं पिया। निम पूछती है कि वह कौन थी। कोजी कहते हैं कि उसकी मॉम, जब वह 15 ईयर्स का था उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, जब से उसने वह सूप नहीं पिया और उसके बाद उसे खुद ही सरवाइव करना पड़ा। निम उसे देखती रहती है। कोजी कहता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ हार्ड लगा पर अब आदत हो चुकी है। कोजी निम से पूछता है कि क्या उसे कॉर्न सूप बनाना आता है। निम कहती है कि यूट्यूब पर रेसिपी मिल जाएगी। कोजी कहता है कि फिर तो वह बना लेगी, अच्छी बात है, और पूछता है कि जब भी उसे सूप चाहिए होगा क्या वह बना देगी। निम हाँ कर देती है। कोजी उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहता है। निम खिला देती है। कोजी कहते हैं कि सूप गर्म है। निम उसे ठंडा करती है और दोबारा खिलाती है। कोजी फिर से उसे गर्म बताता है। निम सॉरी बोलती है और दोबारा ठंडा करती है। कोजी उसे किस कर लेता है और स्माइल करता रहता है। तभी डोरबेल बज जाती है। गेट पर होती है मिस रीना और निम को देखकर कहती है कि ये तो कोजी का रूम है ना, और जाकर उसे हक कर लेती है। कोजी पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। रीना कहती है कि उसे ऑफिस से पता चला कि वह बीमार है इसीलिए जल्दी आ गई, और पूछती है कि क्या वह अपनी मेडिसिन ले रहा है। कोजी कहता है कि बस लेने ही वाला था। निम रीना को देखती रहती है। रीना कहती है कि वह जब भी उससे दूर जाती है वह अपना ध्यान नहीं रखता। कोजी निम और रीना का इंट्रो कराता है और निम से कहता है कि मिस मासूदा रीना उसकी कंपनी की डायरेक्टर है। निम कहती है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा, पर रीना उसे इग्नोर कर देती है। कोजी निम के पास आकर खड़ा हो जाता है। रीना कहती है कि वह उसकी बॉडी वाइप कर देगी। कोजी मना कर देता है। रीना कहती है कि उसने आज तक कभी उसे मना नहीं किया, क्या वह किसी और के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। कोजी पूछता है कि वह बैंकॉक में क्या कर रही है। रीना कहती है कि मिस्टर मार्क को ब्रांड एम्बेसडर पसंद नहीं आई, इसीलिए कंपनी को ऑडिट करना चाहती है, और फोन पर कहती है कि उसे होटल रूम नहीं चाहिए, वह हर बार की तरह कोजी के साथ ही रहेगी। निम उसकी बातें सुनती रहती है।
कुछ उसे होटल न जाने का रीजन पूछता है। रीना कहती है कि वह हर बार उसी के साथ तो रुकती है और उसने उसे बहुत मिस किया, और निम को देखकर कहती है कि उसे रात को कुछ जरूरी बात भी करनी है। लिम शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे वापस कंपनी जाना चाहिए। कोजी कहता है कि वह उसे छोड़ देगा। निम कहती है कि वह खुद चली जाएगी। निम बाहर आकर सैड फील करती है। अगले दिन रीना ऑफिस में मीटिंग लेती है और कहती है कि जो नए हैं वह उसे नहीं जानते होंगे, और बताती है कि वह जापान में वाइप्रेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर की डायरेक्टर है। वह हर साल की तरह कंपनी ऑडिट करने आई है। माँ की प्रॉब्लम के बाद वह कंपनी में कुछ चेंजेस करेगी, और निम को देखकर कहती है कि सब उसे कॉपरेट करें। निम स्माइल कर देती है। मीटिंग ओवर होने के बाद कोजी रीना के पास आता है। रीना उसका हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए कहती है। निम उन्हें देखती रहती है। कोजी को रीना के साथ देखकर निम को अच्छा नहीं लगता। निम कॉफी बनाती रहती है। कोजी आकर कहता है कि वह उसकी सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम करेगी। निम हाँ कर देती है। कोजी उसे रीना के लिए स्पेशल रूम सेट करने के लिए कहता है। रीना आकर कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वह हर बार की तरह कोजी के रूम में ही बैठेगी, और कहती है कि मिस नजूमी उसे भी एक कप कॉफी चाहिए। निम उसे देखती रहती है और कॉफी बनाने चली जाती है। उसके कलीग्स भी वहाँ आ जाते हैं और रीना को ब्यूटीफुल बताते हैं। निम उनसे पूछती है कि क्या वह मिस रीना को जानते हैं। वे बताते हैं कि हेडक्वार्टर से मिस रीना उनकी बॉस है। वह प्रीटी, रिच, स्मार्ट और काइंड है, और कहते हैं कि बॉस के लिए उससे अच्छा मैच कोई नहीं है। निम को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। निम ऑफिस में कॉफी लेकर आती है और उन्हें किस करते हुए देखती है और शॉक हो जाती है। रीना ये सब निम के सामने जानबूझकर करती है। निम चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रात को घर के बाहर बैठकर अपने फ्रेंड से मैसेज करके उन्हें मिलने के लिए कहती है, पर सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। अगले दिन कोजी मीटिंग रूम में गुस्से में ही बैठा रहता है। निम मीटिंग में रीना के लिए ट्रांसलेशन करती रहती है और कुछ वर्ड्स गलत ट्रांसलेट कर देती है। कोजी उसके ट्रांसलेशन ठीक करता है। रीना उसे देखती रहती है और थोड़ी देर बाद मीटिंग ओवर कर देती है और निम को छोड़कर सबको जाने के लिए कहती है। सब लोग चले जाते हैं। निम नर्वस लगती है। रीना कोजी से कहती है कि निम ने ट्रांसलेशन गलत की। कोजी कहते हैं कि वह कभी गलती नहीं करती, बस आज ही हुई है। रीना निम से कहती है कि उसे इजी जॉब ही करनी चाहिए जिसमें दिमाग की जरूरत नहीं होती। कोजी कहता है कि उसने उसे ट्रांसलेट करने का टाइम ही नहीं दिया। निम सॉरी बोलती है और कहती है कि वह अपने स्किल्स इम्प्रूव कर लेगी। रीना कहती है कि अच्छी बात है, वह अपनी मिस्टेक्स एडमिट कर रही है। रीना कोजी के पास आकर कहती है कि उसे थाई फूड खाना है, क्या वह उसे रेस्टोरेंट लेकर जाएगा। कोजी हाँ कर देता है और निम को भी साथ चलने के लिए कहता है। निम कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह घर जाना पसंद करेगी। रीना कहती है कि फिर तो बस हम दोनों को ही जाना पड़ेगा और निम से अगली बार साथ चलने के लिए कहती है। कोजी जाते हुए निम को देखता रहता है। निम सैड हो जाती है और वहीं बैठी रहती है। कोजी ऑफिस से आता है और निम को देखता है। तभी रीना वहाँ आ जाती है और कोजी को ट्राई करने के लिए कहती है। निम दोनों को देखती रहती है। कोजी कहता है कि उसे टाई पहनना पसंद नहीं। रीना कहती है कि पसंद हो या ना हो पहननी तो पड़ेगी। रीना उसे टाई पहना देती है। कोजी निम को देखता रहता है और पूछता है कि क्या वह बेटर फील कर रही है। निम आंसर करने वाली होती है, पर रीना निम को वापस काम करने के लिए कहती है। निम स्माइल कर देती है और कुछ सोचने लगती है। निम अपने फ्रेंड्स के साथ बार में आकर ड्रिंक करती है। निम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करती है तो उसके फ्रेंड्स उसे रोक देते हैं और आपस में बातें करते हैं किसे हुआ क्या है। पिन कहती है कि वह गैस कर सकती है, शायद किसी ने इसका दिल तोड़ा है। निम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। पिन कहती है कि उसका बॉस। निम कहती है कि वह तो सबके साथ फ्लर्ट करता है और अभी भी वह एक लड़की के साथ है जो उसके लिए परफेक्ट मैच है। रीना और कोजी भी उसी बार में आ जाते हैं। पिन उन्हें आते हुए देख लेती है। कोजी भी निम को देख लेता है। रीना कोजी से कहती है कि उसने तो कहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद वह काम से बोर हो गई होगी। कोजी निम के पास जाता है पर रीना उसे रोक देती है और कहती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है, अगर वह जाकर उसे रोकेगा तो अनप्रोफेशनल लगेगा। चारों उन्हें ही देखते रहते हैं। कोजी और रीना आकर बैठ जाते हैं। निम उन्हें साथ देखकर और ज्यादा ड्रिंक करती है। उसके फ्रेंड फिर से उसे रोक देते हैं। निम एक और बॉटल ऑर्डर करती है और कोजी को देखती है। कोजी भी रीना के साथ ड्रिंक करता है और निम को देखता है। रीना उसे क्लाइंट से बात करने के लिए कहती है। कोजी उनसे बात करता है और फिर से निम को देखता है। क्लाइंट कहता है कि उसे वाइप्रेक्स कंपनी के साथ काम करके अच्छा लगा और पूछता है कि वे दोनों कब शादी कर रहे हैं। कोजी कहता है कि वे लोग बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। निम उनकी बातें सुनती रहती है। कोजी की नजरें भी निम पर ही होती हैं। रीना कोजी को पूल खेलने के लिए कहती है। कोजी रीना को खेलना सिखाता है। रीना निम के सामने ये सब करती रहती है। कोजी और रीना गेम खेलने में लगे रहते हैं। तभी एक लड़का निम के पास आता है। कोजी उसे देखता है और बहुत तेज शॉट मारता है। बॉल जाकर निम के पास गिर जाती है। निम के फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉल उसके मुंह पर मारो। निम खड़ी होकर मार देती है पर ये सपना होता है। फिर निम को उस लड़के से इंट्रोड्यूस कराती है। कोजी को गुस्सा आ जाता है और वह निम के पास जाकर कहता है कि उसे कुछ बात करनी है।
पुज उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे अपनी कार में बैठा देता है। निम कार से बाहर आने की कोशिश करती है पर कोजी उसे रोक देता है और उसे डांटता है। कुछ निम से पूछता है कि उसने तो कहा था वह बीमार है तो यहाँ क्या कर रही है। निम कहती है कि उसने मेडिसिन ले ली थी और उसके फ्रेंड्स ने इनवाइट किया तो वह आ गई। कुजी कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि वह उसकी बातों पर बिलीव कर लेगा। निम चुपचाप उसे देखती रहती है। कुजी कहता है कि उसने झूठ बोला, वह बीमार नहीं थी। निम कहती है कि वह बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है, इसमें क्या गलत है। कुजी कहता है कि वह झूठ बोलकर ड्रिंक करने आई है, उसे उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। निम कहती है कि उसे ऐसा करने का कोई राइट नहीं है, वह भी तो रीना के साथ है। ये सुनकर कुजी हंसने लगता है। निम उसके हंसने का रीजन पूछती है। कुजी कहता है कि उसे समझ आ गया इसलिए। निम पूछती है कि उसे क्या समझ आया। कुजी कहता है कि वह उसे किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रही है। निम कहती है कि हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो क्यों जेलस होंगी। कुजी उसे देखता रहता है। निम कहती है कि वह कभी उसे अटेंशन देता है और कभी अलग बिहेव करता है तो उसे समझ नहीं आता क्या करना है। कुजी कहता है कि क्या उसका रीना के साथ होना उसे पसंद नहीं। निम हाँ कर देती है। कुजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि रीना बस उसकी फ्रेंड है और कुछ नहीं, और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। अगली बार उसे कुछ जानना हो तो उससे आकर पूछ लेना, खुद ही कुछ भी इमेजिन मत करना। कुजी उसे घर छोड़ने आता है और कहता है कि अगर वह कुछ पूछना चाहती है तो पूछ सकती है। निम पूछती है कि क्या कभी फ्रेंड्स किस करते हैं। कुजी कहते हैं कि उसने नहीं किया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रीना निम को देखकर उसे किस करती है। कुजी उसे दोबारा ऐसा करने से मना करता है। रीना कहती है कि वह सिर्फ उसका है। कुजी कहते हैं कि वह उसे अच्छे से ट्रीट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह उसका है। कुजी निम से कहता है कि रीना उसे पसंद करती है पर वह नहीं करता। निम कहती है कि क्या बात है। कुजी कहता है कि वह बस उसे ही किस करता है जिसे वह करना चाहता है। उसके बाद कुजी उसे किस कर लेता है। निम उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चलती रहती है। निम कुजी को देखती रहती है और कुजी उसे। रीना भी उन दोनों को ही देखती रहती है। कुजी कुछ बोलता है पर निम का ध्यान कहीं और होता है। रीना निम से ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। निम ठीक से ट्रांसलेट कर देती है। कुजी मीटिंग ओवर कर देता है। सब लोग उठकर जा रहे होते हैं। कुजी निम को मैसेज करके काम पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। निम मैसेज करती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। कुजी उसे मैसेज करके कॉफी बनाने के लिए कहता है। तभी इन वहां आकर निम को अपने साथ ले जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर मार्क के साइन लाने के लिए कहती है। निम कहती है कि उसे ही क्यों जाना पड़ेगा। इन उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। निम कहती है कि वह मार्क की एई नहीं है। इन निम को बताती है कि मार्क ने कहा है अगर डॉक्यूमेंट्स निम लेकर ना आई तो वह साइन नहीं करेगा। निम कहती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। इन कहती है कि वह और उसकी टीम इस प्रोजेक्ट पर बहुत टाइम से काम कर रही है और नहीं चाहती कि इस रीजन की वजह से प्रोजेक्ट खराब हो जाए। इन उसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसकी बातें दोनों कलीग सुन लेते हैं। निम कुजी के लिए कॉफी लेकर आती है। कुजी उसे देखकर स्माइल करता है और कॉफी टेस्ट करके उसे कड़वी बताता है। निम कहती है कि उसने तो बहुत सारी शुगर डाली थी। कुजी फिर से स्माइल करता है और कहता है कि खुद ही ट्राई करके देख लो। निम कॉफी टेस्ट करती है और कहती है कि ये बहुत स्वीट है। कुजी उसे किस कर लेता है और कहता है कि उसकी पनिशमेंट थी लेट होने की। दोनों स्माइल करते रहते हैं। निम कुजी से कहती है कि उसे कुछ बताना है। कुजी कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तभी रीना ऑफिस में आ जाती है और कहती है कि क्लाइंट से मिलने का टाइम हो गया है। वह उसकी सेक्रेटरी है तो अपने बॉस को याद क्यों नहीं दिलाया। कुजी निम से पूछता है कि वह क्या कहने वाली थी। निम कह देती है कि उसने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, बस यही बताना चाहती थी, और उसे जल्दी से क्लाइंट से मिलने जाने के लिए कहती है। निम माँ के पास फाइल लेकर आ जाती है। माँ कहते हैं कि जब भी वह उससे मिलती है खुश नहीं लगती, और अगर वह जाना चाहती है तो चली जाए, बस वह डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा। ऐसा करने उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी पर उसकी कंपनी को हो जाएगी। निम कहती है कि जैसा उसने कहा था उसने वैसा ही किया, अब डॉक्यूमेंट साइन कर दो। माँ कहते हैं कि क्या वह जल्दी में है या इस बात का डर है कि कोजी उसे उसके साथ देखकर गुस्सा हो जाएगा। कोजी क्लाइंट से मिलने के बाद स्टाफ से पूछता है कि निम कहाँ है। कोई कुछ नहीं बोलता। कोजी दोबारा पूछता है तो वह बता देता है कि निम मार्क से डॉक्यूमेंट साइन कराने गई है। कोजी कहता है कि उसकी जॉब नहीं है, उसे ये सब करने के लिए किसने कहा। वह इनकी तरफ इशारा करता है। कोजी इनसे कहता है कि उसने उसकी सेक्रेटरी को क्या काम दिया है और अब वह कहाँ है। मार्क निम से कहता है कि किट्सुकी भी एक कैसनोवा है, वह उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। निम कहती है कि उनका रिलेशन बॉस और एम्प्लॉय का है और कुछ भी नहीं। मार्क कहता है कि वह झूठ बोल रही है और इस बात को मान क्यों नहीं लेती। निम वहाँ से जाती है तो मार्क उसे रोक देता है। निम उसे पुश करके जाती है। मार्क फिर से उसे रोक लेता है और कहता है कि उसकी बात पूरी नहीं हुई और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कोजी वहाँ आ जाता है और उसे हिट करने वाला होता है पर रुक जाता है और कहता है कि उसे किसी के साथ ऐसा करने का राइट नहीं है और उसे गुस्से से देखता है। माँ कहते हैं कि अगर उसे चोट लग जाती तो वह उसकी कंपनी को बर्बाद कर देता। कुजी कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एंड डोंट टच माय गर्ल, और निम को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर निम कुजी को सॉरी बोलती है। कुजी कहते हैं कि उसे केयरफुल रहना चाहिए,
अगर उसे आने में देर हो जाती तो निम दोबारा सॉरी बोलती है और बताती है कि मार्क ने कंडीशन रखी थी कि अगर वह नहीं आई तो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेगा। वो जी कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर वह उसे मरने के लिए कहेगा तो क्या मर जाएगी? निम कहती है कि उसने मना कर दिया था पर उसके टीममेट्स ने रिक्वेस्ट की थी। वो जी कहता है कि वह सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे उसकी फिक्र है। निम कहती है कि वह अगली बार ध्यान रखेगी। कोजी कहता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? निम शॉक हो जाती है और हाँ कर देती है। कोजी कहता है कि बस इतना ही कहेगी। निम कहती है कि आगे से उसका ध्यान रखना। कोजी खुश हो जाता है और निम अपनी नोज टच करने लगती है। अगले दिन ऑफिस में निम को लगता है कि उसकी डेस्क पर सारा सामान पिंक कलर में चेंज हो गया है और ये देखकर वह बहुत खुश होती रहती है। निम शॉक होकर उसे देखती है। हाजोबे कहता है कि वह क्यों डरी? उसने तो बस ये पूछा कि क्या बॉस आ गए। हाजोबे उसे फाइल पर कोजी के साइन लेने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद निम फिर से सपना देखने लगती है। इस बार उसे लगता है कि टिंग ने कहा कि क्या वह उस पर फोकस करना पड़ेगा। तभी उसे सामने से कोजी आता हुआ दिखाई देता है। कोजी आकर निम से कहता है कि मिस इनको मीटिंग रूम में बुलाओ। निम हाँ कर देती है। कोजी इनसे पूछता है कि उसने निम को मार्क्स डॉक्यूमेंट साइन कराने क्यों भेजा। निम कहती है कि मार्क ने रिक्वेस्ट की थी और उसने ये सब प्रोजेक्ट कैंसिल होने के डर की वजह से किया। कोजी कहता है कि निम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोजी कहता है कि वह समझ सकता है कि उसने ये सब कंपनी के लिए किया पर उसे अपने कलीग्स के बारे में सोचना चाहिए। निम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए भी उसने उसकी हेल्प की। कोजी उसे समझाता है कि उन्हें लंबे टाइम तक साथ में काम करना है तो एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करनी पड़ेगी। इन कहती है कि कहती है कि उसने बॉस को ये सब क्यों बताया। निम कहती है कि उसने बॉस को कुछ नहीं बताया। इन कहती है कि अगर मार्क ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो वह क्या करेगी। निम कहती है कि क्लाइंट के साथ डिनर ना करने पर उसे नहीं लगता ऐसा होगा। इन निम से आर्ग्यू करती है। कोजी आकर उनकी बातें सुनता रहता है। इन निम को रिस्पॉन्सिबल बताती है। निम कहती है कि वह हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देती है और क्या उसे पता है कल उसने क्या झेला। मार्क ने उसके साथ बदतमीजी की। इन शॉक हो जाती है। निम कहती है कि क्या अभी वह उसे मार्क के पास भेजना चाहेगी। इन उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं पता था मार्क ऐसा करेगा। निम कहती है कि कोई बात नहीं पर वह ये सब दोबारा होने नहीं देना चाहती। कोजी ये सब सुनकर स्माइल करता रहता है। रीना भी दूर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रहती है। रीना कोजी से आकर पूछती है कि वह उस लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। कोजी कहता है कि वह अपने एम्प्लॉयज की केयर करता है। रीना कहती है कोजी कहता है कि इस बारे में वह बात कर चुका है दोबारा नहीं करना चाहता। रीना कहती है कि वह तो बस मजाक कर रही और उसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो वह निम को पता चलने नहीं देना चाहेगा। उसकी कही हुई बातें वह कभी नहीं भूलती। कोजी को गुस्सा आ जाता है और वह ऑफिस में बैठकर काम करता रहता है। निम आकर कहती है कि उसने उसके लिए राइस बॉल्स बनाए हैं और कहते हैं कि उसे अपना स्टैंड लेना आ गया है। इनसे उसने जो भी कहा सब ठीक था। निम खुश हो जाती है। कोजी कहता है कि खाना तो उसने खा लिया पर वह उसके लिए कोई डेजर्ट क्यों नहीं लाई। निम लेने जाती है तो कोजी रोक लेता है और उसे किन से कहता है कि उसे मेकअप करना चाहिए, उसके लिप्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाजोबे कोजी से कहता है कि क्या उसे मैनर्स नहीं है। कोजी हाजोबे के सामने निम से कहता है कि उसके सामने बिना मेकअप के दोबारा मत आना। कहता है कि उसे अपनी सिक्योरिटी को कुछ सिखाना है। हाजोबे फाइल लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कोजी निम को सॉरी बोलता है और कहते हैं कि इवनिंग में कोजी निम को अपने साथ सुपरमार्केट लेकर आता है। कोजी कहता है कि वह डेली उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आती है तो वह खुद चूज करेगा कि उसे क्या खाना है पर अभी बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। रीना पूछती है कि हमेशा उसके सामने टेंस क्यों लगती है, क्या उसे उससे डर लगता है। निम मना कर देती है और पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, वो उसे बता सकती है। रीना कहती है कि वह और कोजी डेट कर रहे हैं ना। निम उसे कोई आंसर नहीं करती। रीना कहती है कि उसे आंसर करने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल उसकी पर्सनल लाइफ है। पर वह उसे देखकर बता सकती है कि वह कोजी जैसे परफेक्ट मैन को डेट करके खुश तो है पर अपने रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं है। निम चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। रीना निम को स्वीट चाइल्ड बताते हुए कहती है और ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। निम को टेंशन हो जाती है। निम कोजी से पूछती है कि क्या वह इवनिंग में फ्री है। कोजी हाँ कर देता है और कहते हैं कि वह उसे क्या कराना चाहती है। निम कहती है कि वह अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है और जो साथ चलने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि वह नजूमी के साथ कहीं भी जा सकता है। निम स्माइल कर देती है। कोजी भी उसे देखकर स्माइल करता रहता है। निम कोजी को लेकर रेस्टोरेंट में आती है और अपने फ्रेंड से मिलवाती है। कोजी सबके साथ बैठ जाता है। पॉपी कोजी को परफेक्टली हैंडसम बताता है और कहते हैं कि वह निम से जेलस है। कोजी उसकी बातें सुनता रहता है। म्यू उसे अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट करने से मना करती है। म्यू कोजी से कहती है कि वह थाई लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से बोल लेता है। कोजी कहता है कि थोड़ी बहुत आती है। म्यू पूछती है कि वह थाईलैंड में कब से रह रहा है। कोजी कहता है कि वह कभी कभी वापस जाता है। म्यू कहती है कि वापस क्यों जाता है। पॉपी कहते हैं कि क्या अपनी वाइफ और बच्चों से मिलने। निम्स के जाने के बाद निम कहती है कि वे लोग उससे क्या क्या बातें कर रहे हैं। पॉपी कहते हैं कि वह तो बस उसकी हेल्प कर रहे थे।
फिन कहती है कि हमें कोरी से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। मियो कहती है कि वॉशरूम नहीं गया, उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। निम कहती है कि वह उसे जाकर बता रही है कि वह लोग उसे परेशान कर रहे हैं और उठकर वहाँ से चली जाती है। निम कोजी के पास आकर अपने फ्रेंड्स की तरफ से सॉरी बोलती है। कोजी कहता है कि कोई बात नहीं, वे लोग बस उसे जानना चाहते थे। निम कहती है कि उसने उन्हें बोल दिया है, वे उसे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। कोजी कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी कोजी को एक कॉल आता है। कोजी निम को अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाने के लिए कहता है और कॉल रिसीव करके वहाँ से चला जाता है। निम आकर अपने फ्रेंड से कहती है कि कोजी को परेशान मत करना। मियो कहती है कि कोजी को लेकर उन्हें कुछ अजीब लग रहा है। तभी कोजी आकर कहता है कि कुछ इमरजेंसी है तो उसे जाना पड़ेगा और वे उनसे बाद में मिलेगा। निम हाँ कर देती है। कोजी जल्दी में चला जाता है। मियो कहती है कि देखा, हमने उससे पूछा तो वह भाग गया। निम कहती है कि वह अपना काम करने गया होगा। पॉपी कहते हैं कि वह उसकी सेक्रेटरी है, क्या उसे नहीं पता क्या काम है। निम कुछ नहीं बोलती। पिन कहती है कि वह इतना लेट क्यों काम कर रहा है। मियू कहती है कि उसकी वाइफ है। पॉपी कहते हैं कि उसका हस्बैंड है। पिन दोनों को चुप करती है। निम सोच में पड़ जाती है। रीना वापस जापान आ जाती है। मार्क भी जापान में ही होता है। रीना मार्क से कहती है कि वह किट्सुकी की गर्लफ्रेंड से मिली। मार्क कहते हैं कि जैसे उसने बताया था वैसे ही है ना। रीना निम को सिंपल गर्ल बताती है और कहती है कि अगर कोजी उसे प्रोटेक्ट ना करे तो वह कुछ नहीं कर सकती और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह हैंडल नहीं कर सकती। माँ कहते हैं कि वह उस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है। रीना कहती है कि वह परेशान नहीं है और परेशान तो उसे होना चाहिए, वह एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकता। माँ कहते हैं कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। रीना कहती है कि वह अपने यूजलेस प्लान्स दोबारा यूज मत करना और उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रीना के सेक्रेटरी कहती है कि माँ ने जापान तक उसे फॉलो किया, क्या वह उसे ठीक से बात भी नहीं कर सकती। रीना कहती है कि अब उसे माँ की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी पूछती है कि क्या उसे डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट को देना है। रीना हाँ कर देती है। मार्क सैड होकर बैठा रहता है। निम कोजी के लिए कॉफी लेकर आती है। कोजी थैंक यू बोलता है और काम में लगा रहता है। निम जाते हुए उसे देखती है। कोजी पूछता है कि क्या हुआ। निम कहती है कि कुछ भी नहीं। कोजी कहते हैं कि उसकी आईज हाँ बोल रही हैं, अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। निम कहती है कि क्या वे सच में डेट कर रहे हैं। कोजी कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों पूछा। निम कहती है कि कभी वह उसकी केयर करता है और कभी नहीं करता, उसे लगता है कि वह बस उसकी सेक्रेटरी है। कोजी कहते हैं कि क्या उसने उसे इतना परेशान किया। निम कहती है कि वह अनकंफर्टेबल फील करती है, इतनी रात को उसे क्या काम था जो उसकी सेक्रेटरी को नहीं पता। कोजी कहते हैं कि वह सच में काम करने गया था। निम वहाँ से जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है। कहती है कि वे लोग ऑफिस में हैं, अगर कोई आ गया तो। कोजी कहते हैं कि उसने सबको मना किया हुआ है। कोजी निम को सॉरी बोलता है और गुस्सा करने से मना करता है। निम कहती है कि कोई बात नहीं। कोजी कहते हैं कि उसके पास कुछ ज्यादा ही काम था इसीलिए थक गया था। निम उसे ज्यादा काम करने से मना करती है। कोजी कहते हैं कि क्या वे उसे हक कर सकती है। निम उसे हक कर लेती है और अपनी मम्मी की कही हुई बातें सोचती रहती है। कोजी निम को किस करने वाला होता है तभी हजोबे वहाँ आ जाता है। निम वहाँ से चली जाती है। हजोबे कोजी से कहता है कि क्या उसने फिर से निम को परेशान किया। कोजी उसे हिट करने वाला होता है। हजोबे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। कोजी उसे पुश करता है और पूछता है कि वह अंदर क्यों आया। हजोबे कहता है कि वह उसे रीना के लिए वॉर्न करने आया है। कोजी पूछता है कि क्या हुआ। हजोबे बताता है कि रीना वापस जापान जा चुकी है और वह जरूर कुछ प्लानिंग कर रही होगी। कोजी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वह चाहे जो करे। हजोबे उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। कोजी टेंशन में लगता है। ऑफिस में सब लोग काम करते रहते हैं। कोजी निम को मैसेज करके बताता है कि वह कोरिया पहुंच चुका है। जॉय निम से पूछती है कि बॉस कब वापस आएंगे। निम बताती है कि मंडे तक आ जाएंगे और पूछती है कि उसे क्या काम है। जॉय कहती है कि उसे बॉस से ट्रैवल शेड्यूल चाहिए था। निम कहती है कि उसने ट्रांसलेट कर दिया है, वह उसको सेंड कर देगी। जॉय कहती है कि अच्छा है, बॉस के पास सेक्रेटरी है, अब बॉस से डायरेक्टली बात के बिना भी काम हो जाता है। निम बताती है कि फाइल उसके पास पहुंच चुकी है। जॉय उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। निम कोजी को मैसेज करती है कि क्या वह उसे मिस नहीं कर रहा है। तभी एचआर मैनेजर आकर निम से कहती है कि एक क्लाइंट उससे मिलना चाहता है। निम कहती है कि आज उसके किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है। एचआर मैनेजर बताती है कि मिस्टर मार्क उससे कुछ पूछना चाहते हैं। तभी मैनेजर आकर बताता है कि क्लाइंट आ चुका है और बॉस ने उसे रात 3 बजे कॉल करके कहा था कि जब निम उस क्लाइंट से मिले तो उसके साथ ही रहना और उसका ध्यान रखना। निम उसके साथ चली जाती है। मार्क टेबल पर पैर रखकर मीटिंग रूम में बैठा रहता है। निम और मैनेजर आकर बैठ जाते हैं। मार्क निम से कहता है कि उसके बॉस ने रेस्टोरेंट वाले केस को लेकर उसकी कंपनी में कंप्लेन कर दी थी, इसीलिए वह उससे मिलने नहीं आ पाया। मार्क निम को सॉरी बोलता है। निम कहती है कि कोई बात नहीं, बस आगे से अपने काम पर फोकस करना। माँ कहता है कि ऐसा ही होगा। निम उसे इनसे भी सॉरी बोलने के लिए कहती है। माँ कहता है कि अगर वह उसे डांटना चाहती है तो डांट सकती है। निम कहती है कि वह तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में करने वाली थी और उसे जेल भेजना चाहती थी, पर अब उसे कंपनी से ही डांट पड़ चुकी है तो वह उसकी कंप्लेंट नहीं करेगी और पूछती है कि क्या वह बस यहाँ इसीलिए आया था। माँ कहता है कि बस यही काम था, उसे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और कोजी पर फोकस करने के लिए कहता है। निम ऐसा कहने का रीजन पूछती है।
माँ कहते हैं कि क्या वह कोजी को अच्छे से जानती है और उसे उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने मत देना। जब कोजी उससे बोर हो जाएगा तो वह उसका साथ देगा। मैनेजर निम को वापस काम पर जाने के लिए कहता है। दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को निम सो नहीं पाती क्योंकि अगले दिन ऑफिस में निम कोजी को मैसेज करके खाना खाने के लिए कहती है। उसके बाद निम अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके पूछती है कि अब कोरिया में क्या टाइम होगा। पोपी कहता है कि वह क्यों पूछ रही है। निम बताती है कि 2 दिन से कोजी कोरिया में है। मैं उन्हें स्वीट कपल बताती है। निम कहती है कि कोजी ने उसे 2 दिन से ना मैसेज किया है और ना कॉल, और उसका फोन भी नहीं उठाया। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि उसका बॉस कोरियन गर्ल्स के साथ बिजी होगा। पॉपी उसे अपनी हॉट पिक्चर्स क्लिक करके पोस्ट करने के लिए कहता है। निम गुस्से में फोन रख देती है और खाना खाने लगती है। निम इधर उधर देखकर अपनी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है और डिफरेंट पोजेस बनाती है। मैनेजर उसे देखकर पूछता है कि वह क्या कर रही है। निम झूठ बोल देती है कि एक इंसेक्ट उसकी ड्रेस में चला गया था, इसीलिए उसको इचिंग हो रही थी। निम फिर से खाना खाने लगती है। रात को एचआर मैनेजर निम को घर जाने के लिए कहती है। निम कहती है कि उसका कुछ काम बाकी है, वह उसे पूरा करके चली जाएगी और उससे इतने अच्छे से रेडी होने का रीजन पूछती है। मैनेजर कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड उसकी मम्मी के साथ डिनर पर जा रही है। निम स्माइल कर देती है। वह निम को भी कोई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहती है ताकि वह भी उसके साथ डिनर पर जा सके। निम ओके बोल देती है। वह निम को बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद निम सैड लगती है। निम ऑफिस में फाइल्स रखने आती है और कहती है कि वह उसे बहुत मिस कर रही थी। तभी कोजी पीछे से आकर कहता है कि वह किसे मिस कर रही थी। निम कोजी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। कोजी कहता है कि उसने भी उसे बहुत मिस किया। निम कोजी को हक कर लेती है। निम अपना फोन चेक करती है पर कोजी का अभी कोई रिप्लाई नहीं आता। अगले दिन भी निम काम करते करते अपने फोन को ही देखती रहती है और कोजी के रिप्लाई का वेट करती रहती है। टिंग आकर पूछता है कि क्या वह बीमार है। निम कहती है कि वह ठीक है। ऑफिस में 2 गर्ल्स बॉस का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती रहती है और कहती है कि बॉस ने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया है। टिंग उनसे कहता है कि उसे कैसे नहीं पता कि बॉस का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। टिंग फोन चेक करता है और कहता है कि बॉस ने तो बस सीनरीज की फोटो पोस्ट की हुई है। उनमें से एक लड़की बताती है कि बॉस ने एक बार बहुत पहले एक लड़की के साथ फोटो पोस्ट की थी, शायद जब वह जापान में होंगे। टिंग चेक करता है तो फोटो कोजी और रीना की होती है। निम भी फोटो देखती है। वे लोग आपस में बातें करते रहते हैं कि बॉस के पूरे अकाउंट में बस मिस रीना की ही फोटो है। ये दोनों परफेक्ट कपल हैं और इस टाइम कोरिया में दोनों साथ एंजॉय कर रहे होंगे। निम ये सुनकर सैड हो जाती है और अपना फोन चेक करती है पर कोजी का रिप्लाई नहीं आता। निम घर आ जाती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या वह बीमार है। निम कहती है कि ऑफिस में काम करने की वजह से थक गई है, ये काम करा रही है। यह है निम का बड़ा भाई नट। निम कहती है कि कभी कभी ज्यादा काम आ जाता है। निम की मम्मी से जाकर सोने के लिए कहती है और बताती है कि कल सैटरडे है, वह पूरा दिन रेस्ट कर सकती है। नट और उसकी मम्मी बातें करने लगते हैं। निम रूम में आकर फिर से फोन चेक करती है और सैड हो जाती है। तभी निम को एक कॉल आता है और कॉल पर होता है कोजी। वह निम को बताता है कि कोरिया में उसका फोन खो गया था और बिजी होने की वजह से वह उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। वह बस अभी बैंकॉक आया है और हजोबे के फोन से उसने उसे कॉल किया है। वह उसे हजोबे का नंबर सेव करने से मना करता है। निम पूछती है कि उसने फोन क्यों किया है, क्या उसे कुछ चाहिए। कोजी कहता है कि उसने बहुत दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की थी, इसीलिए कॉल किया। निम खुश हो जाती है। कोजी कहता है कि क्या वह उससे गुस्सा है। निम मना कर देती है। कोजी उसे सॉरी बोलता है और पूछते है कि क्या वह कल फ्री है। निम हाँ कर देती है। कोजी उसे मिलने के लिए कहता है। निम पूछते है कि कहाँ जाना है। कोजी कहता है कि वह उसे बाहर खाना खाने के लिए ले जाएगा। निम कहती है कि फिर तो ये उसकी फर्स्ट डेट होगी। कोजी उसे कल मॉर्निंग में 11 बजे मिलने के लिए कहता है। निम खुश हो जाती है। मॉर्निंग में निम अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके देखती रहती है। फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है। निम कोजी के पास आ जाती है और उसे देखती रहती है। कोजी उसे नजों में बुलाता है और कहता है कि वह कब तक वहाँ खड़ी रहेगी। निम स्माइल कर देती है। कोजी कहता है कि आज उसने डिफरेंट कपड़े पहने हैं, इसीलिए क्या उसने उसे नहीं पहचाना। कोजी कहता है कि उसे बहुत ज्यादा बातें करनी आ गई हैं। कोजी अपना हाथ आगे करके उसे चलने के लिए कहता है। निम उसका हाथ नहीं पकड़ती और कहती है कि फिर से कोई देख लेगा। कोजी कहता है कि रेस्टोरेंट ऑफिस से बहुत दूर है और उसने अपना लुक भी चेंज किया हुआ है। निम कहती है कि उसने बस कपड़े चेंज किए हैं, इसे लुक चेंज करना नहीं कहते। कोजी कहता है कि वह बार बार उसे बॉस क्यों बुला रही है, क्या लवर से एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं। निम कहती है कि क्या उसे बुरा लगा। कोजी कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसे उसका नाम लेकर ना बुलाए तो उसे कैसा लगेगा। हाथ पकड़ लेती है। कोजी कहता है कि इस तरह हाथ पकड़ कर बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों हाथ पकड़ कर चले जाते हैं। फिंगर करके कहता है कि उसे ये पसंद है। निम कहती है कि वह फोन के बारे में बात कर रही है। कोजी पूछता है कि क्या उसे भी मोबाइल चाहिए। निम मना कर देती है। कोजी रीजन पूछता है। निम कहती है कि उसका फोन ठीक है और वह इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकती, उसके पास पैसे नहीं है। कोजी कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। निम कहती है कि फर्स्ट डेट पर वह उसे मोबाइल खरीदने लाया है। कोजी कहता है कि डेट अब स्टार्ट होगी। कोजी उसे मूवी दिखाने लाता है। दोनों हाथ पकड़ कर बैठे रहते हैं। मूवी देखते देखते निम कोजी के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है।
कोजी सो जाता है। निम चेक करती है तो कोजी कहता है कि वह बस अपनी आईज को रेस्ट दे रहा है। निम फिर से उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। कोजी उसे देखता है और निम के देखने पर वापस आईज क्लोज कर लेता है और स्माइल करता है। बाहर आते हुए कोजी कहता है कि मूवी अच्छी थी पर वह बस रो रही थी। निम कहती है कि वह तो सो रहा था। कोजी कहता है कि उसने बस आईज क्लोज की हुई थी। कोजी उसे अपनी टी शर्ट दिखाता है जो उसके रोने से गीली हुई थी। निम हंसती और कोजी को खाना खाने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि उसे उसकी बनाई हुई डिश खानी है। वह एक रिक्ता कोरिया में था तो उसने उसका बनाया हुआ लंच बॉक्स नहीं खाया और उसका गिफ्ट भी उसके रूम में ही है। निम कहती है कि उसे उसके घर जाकर खाना बनाना पड़ेगा। कोजी हाँ कर देता है। निम कहती है कि सब उसकी प्लानिंग है ना। कोजी कहते हैं कि क्या इस प्लानिंग का पार्ट बनेगी। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोजी निम को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। निम बैठ जाती है। कोजी उसे पकड़ने के लिए कहता है। निम डरती है तो कोजी खुद ही उसका हाथ पकड़कर अपने आप को होल्ड करा लेता है। छोती है निम कोजी के लिए खाना बनाती है। कोजी उसे उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए कहता है। निम कहती है कि क्या वह उसे ड्रंक करना चाहता है। कोजी कहते हैं कि क्या वह उसे उसके पास आने देगी। निम कहती है कि उसके पास नाइफ है, अगर उसे ट्राई करना है तो आ जाओ और स्माइल कर देता है। कोजी उसे हक कर लेता है। निम उसे जाकर बैठने के लिए कहती है। कोजी आकर बैठ जाता है। निम उसके लिए सूप लेकर आती है और टेस्ट करके बताती है कि अच्छा बना है। कोजी कहता है कि उसे भी अपने हाथों निम टिश्यू उठाती है तो कोजी कहता है कि वह साफ कर देगा। वह उसे उसके आईज क्लोज करने के लिए कहता है पर सूप टिश्यू से साफ नहीं करता। निम कहती है कि उसने क्या किया। निम के नेक पर रेड मार्क बन जाता है। कोजी उसे देखकर स्माइल करता रहता है। निम कहती है कि वह इसे कैसे हाइड करेगी और कोजी को हिट करती है। कोजी उसे हक कर लेता है। निम घर आकर चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है तो निम मार्क अपने हेयर से छुपा लेती है। निम स्टेज पर बैठकर उन्हें हेलो बोलती है। उसकी मम्मी पूछती है कि वह चुपचाप क्यों आई। निम कहती है कि वह बस शोर नहीं करना चाहती थी। उसकी मम्मी कहती है कि उसकी नेक को क्या हुआ, उन्हें चेक करने दो। निम मना कर देती है और पूछती है कि उनके घर के बाहर किसकी कार खड़ी है। उसकी मम्मी बताती है कि उसकी आंट नुई को अर्जेंट कैश की जरूरत थी तो उन्होंने कार चीप प्राइस पर दे दी। नट को बहुत दिनों से एक कार चाहिए थी। निम कहती है कि नट को कार की क्या जरूरत थी। उसकी मम्मी कहती है कि वह सेल्समैन है तो उसे अलग अलग जगह पर जाना पड़ता रहता है। निम पूछती है कि पैसे कहाँ से आए। उसकी मम्मी कहती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निम कहती है कि पहले ही उन पर इतना लोन है, अब कार के लिए भी पे करना पड़ेगा। उसकी मम्मी कहती है कि कार की पेमेंट वे और नट खुद कर लेंगे। निम कहती है कि नट की जॉब अभी अभी लगी है, वह पैसे कहाँ से लाएगा और क्या पता वे अपने सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल ना हो। उसकी मम्मी गुस्से में कहती है कि वह अपने आप हैंडल कर लेंगी। निम रूम में चली जाती है। अगले दिन कोचिंग मीटिंग ले रहा होता है। निम कल वाली बात सोचकर जोर से ना बोलती है, सब उसी को देखते रहते हैं। निम कह देती है कि एसी ऑन मत करना, उसे ठंड लग रही है। कोजी हंसने लगता है। निम मीटिंग में किराए के प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताती है। कोजी उसे देखता रहता है। निम अपना स्कार्फ छुपाने के लिए स्कार्फ पहन कर आती है। कोजी उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। निम बार बार अपने स्कार्फ को टच करती रहती है। मैनेजर पूछते है कि क्या वह बीमार है। निम हाँ कर देती है और खांसना स्टार्ट कर देती है। कोजी उसे ध्यान रखने के लिए कहता है और कहते है कि मीटिंग के बाद थोड़ा सूप पी लेना। निम मना कर देती है और सबसे कहती है कि वह बीमारी से दूर रहेगी। कोजी कहते है कि क्या जर्म से, और अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे फ्लाइंग किस देता है। निम कहती है कि वह जर्म से दूर रहेगी। मैनेजर पूछते है कि क्या दोनों की फाइट हुई है। दोनों एक साथ ना बोलते हैं। कोजी उसे मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए कहता है और कहते है कि जर्म्स के बारे में बात करके टाइम वेस्ट हो गया। निम फिर से डिटेल्स बताने लगती है। कोजी ऑफिस से निम को कॉल करके पूछता है कि क्या उसका लंच रेडी है। निम हाँ कर देती है। कोजी गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि निम के आते ही उसको हक कर लेगा। तभी हजोबे आकर कोजी को हक कर लेता है। कोजी पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया। हजोबे कहता है कि निम ने उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि लंच में थोड़ा टाइम लगेगा। हजोबे उसे निम को परेशान करने से मना करता है और कहता है कि वे नई सेक्रेटरी ढूंढने में हेल्प नहीं करेगा, फिर उसे अकेले ही काम करना पड़ेगा। कोजी कहता है कि अगर उसकी बातें खत्म हो गई हो तो यहाँ से चले जाओ। हजोबे उसे बाय बोलकर चला जाता है। कोजी कहता है कि निम बहुत देर लगा रही है। गेट पर फिर से नॉक होती है तो कोजी फिर से हक करने वाला होता है। हजोबे कहता है कि वह उसे मीटिंग के लिए याद दिलाने आया है। कोजी गुस्से में ओके बोलता है और हजोबे के जाने के बाद कहता है कि क्या वह आज उससे नहीं मिल पाएगा, क्या उसे उसका पंच खाना है। तभी निम आ जाती है और कहती है कि क्या वह उसे मारना चाहता है। कोजी कहता है कि उसे लगा हजोबे था और वह लेट क्यों हुई, उसे भूख लग रही थी। निम सॉरी बोलती है और कहती है कि वह उसके लिए जूस बना रही थी। निम उसे खाना खाने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि उसे अपने हाथों से खिलाओ। निम कहती है कि पहले तो वह खुद खा लेता था तो अब क्यों नहीं। कोजी कहता है कि उसके हाथ से ही खाना है। निम कहती है कि उसे लगा था वह एक जेंटलमैन है। कोजी उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है और उसे खिलाने के लिए कहता है और कहता है कि उसे भूख लग रही है। निम हाँ कर देती है। तभी कोजी का ऑफिस फोन रिंग करता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि क्लाइंट मीटिंग रूम में आ चुका है। कोजी ओके बोलता है। निम कहती है कि वह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने जा रही है। कोजी कहता है कि उसने तो लंच भी नहीं किया पर अब काम करने जाना पड़ेगा। निम कहती है कि वह कब से क्राइबेबी बन गया। कोजी कहते हैं कि जब से वह उससे मिला है।
निम अपने नोज टच करने लगती है। मार्क मीटिंग में प्रोडक्ट लॉन्चिंग सक्सेसफुल होने का क्रेडिट कोजी को देता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मार्क उन्हें एक और क्लाइंट से मिलवाता है और कहता है कि उनका प्रोजेक्ट भी वाइपर एक्स कंपनी ही हैंडल करेगी। कोजी धीरे से निम से कहता है कि मार्क उसे प्रोजेक्ट क्यों दे रहा है, वह तो उससे नफरत करता है। मार्क उन दोनों को ही देखता रहता है। निम कहती है कि उसे नहीं पता। निम कॉफी बनाकर ले जाती है तो मार्क उसे मिल जाता है और पूछते है कि उसका बॉस कहाँ है। निम कहती है कि क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कस करने गए हैं। मार्क कहते हैं कि वे दोनों अभी भी गुस्सा हैं, उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था। निम कहती है कि वह गुस्सा नहीं है। निम वहाँ से जाती है तो मार्क उसे रोक लेता है और उसके नेक पर स्कार देखकर कहता है कि ये कोजी ने किया है ना। कोजी भी पीछे खड़ा रहता है। मार्क कहते हैं कि उसकी पुरानी आदत है। कोजी आकर निम को अपने साथ ले जाता है और उसे किस करता है। निम उसे रोकती है तो वह पूछती है कि वह बार बार ऐसा क्यों करता है। कोजी कहता है कि अगर ऐसा नहीं चाहती तो प्रॉमिस करो कि वह दोबारा किसी और लड़के के साथ नहीं जाएगी। निम कहती है कि कहाजोबे के साथ भी नहीं। कोजी मना कर देता है। निम कहती है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी नहीं। कोजी मना कर देता है। निम कहती है कि क्या वह जेलस है। कोजी हाँ कर देता है और कहते हैं कि दूसरों से कभी इतने अच्छे से बात मत करना और उसे फिर से किस कर लेता है। निम घर आती है तो नट को कुछ सामान के साथ देखती है। निम अपनी मम्मी से पूछती है कि नट के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसकी मम्मी कहती है कि उसने अपनी आंटी से बोरो किए हैं, सामान सेल करके वह उन्हें वापस कर देगा। निम कहती है कि अगर वह सेल ना कर पाया तो आंट को पैसे वापस कैसे करेंगे। निम की मम्मी कहती है कि क्या उसे लगता है कि इस घर में बस वही स्मार्ट है और वह अब कभी भी उससे पैसे नहीं मांगेंगी। निम को टेंशन हो जाती है। निम ऑफिस में टोटल एक्सपेंसेस काउंट करती है जो उसे पे करने हैं। अच्छा मैनेजर आकर पूछती है कि वह स्ट्रेस्ड क्यों लग रही है। निम कहती है कि वह ठीक है। मैनेजर कहती है कि जापान से एक न्यू बॉस आ रहा है तो वह बहुत ज्यादा बिजी है। निम कहती है कि बॉस ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा मैनेजर बताती है कि हेडक्वार्टर ने डायरेक्ट किसी को कॉन्टेक्ट किया है, बॉस को इस बारे में नहीं पता। निम कहती है कि क्या हेडक्वार्टर में उसकी जगह न्यू बॉस होगा। मैनेजर बताती है कि हमें यहीं से किसी को भेजना पड़ेगा और शायद उसे मीटिंग में न्यू बॉस के लिए भी ट्रांसलेशन करनी पड़े। निम उससे पूछती है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो उसकी सैलरी कब बढ़ेगी। मैनेजर कहती है कि डिसीजन बॉस लेंगे, उसे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। निम प्रैक्टिस करती रहती है कि उसे बॉस से क्या कहना है। तभी कोजी वहाँ आकर उसे मीटिंग में चलने के लिए कहता है। क्लाइंट डिटेल्स बताती रहती है पर निम ट्रांसलेट नहीं करती, उसका ध्यान कहीं और होता है। क्लाइंट उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। निम सॉरी बोलती है और उसे रिपीट करने के लिए कहती है। कोजी निम को देखता है। मीटिंग के बाद कोजी निम से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। निम मना कर देती है। कोजी उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है। कोजी उसे ऑर्डर करने के लिए कहता है। तभी निम के पास आंट नोई का कॉल आता है। निम बाहर जाकर कॉल रिसीव करती है। आंट नोई कहती है कि उसकी मम्मी ने 3 लाख रुपीज लिए थे पर वापस नहीं कर रही, उन्हें अर्जेंटली 1 लाख की जरूरत है, क्या वे उन्हें दे सकती है। निम हाँ कर देती है और बाद में फोन करने के लिए कहती है। निम को टेंशन हो जाती है। कोजी निम से पूछते है कि क्या कुछ हुआ है। निम बताने ही वाली होती है पर तभी उसे कॉल आ जाता है। बात करने के बाद कोजी टेंस लगता है। निम पूछते है कि क्या हुआ। कोजी उसे बताते है कि हेडक्वार्टर उनका बजट हाफ करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा और पूछते है कि वह क्या कहना चाहती थी। निम मना कर देती है और फूड ऑर्डर करने के लिए कहती है और सोचती है कि ये सही टाइम नहीं है पैसों के बारे में बात करने का। निम ऑफिस में चुपचाप काम करती रहती है। टिंगा कर कहते है कि क्या वह चुपके से साइड जॉब कर रही है। निम मना कर देती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ काम है। टिंग उसे साथ में लंच करने के लिए कहता है। बताते हैं कि उनका रेस्टोरेंट खुला है तो एक पर्सन के 1000 रुपीज ही लगेंगे। निम सोचती है कि वह अफोर्ड नहीं कर सकती। निम कहती है कि उसे भूख नहीं लगी और काम भी पूरा करना है। टिंग उसे बाय बोलकर चला जाता है। कोजी आकर पूछते है कि वह क्या कर रही है। निम उसके आते ही लैपटॉप बंद कर देती है। कोजी आकर पूछते है कि वह क्या छुपा रही है। निम पूछते है कि क्या उसे कुछ चाहिए। कोजी उसे साथ में खाना खाने के लिए कहता है। निम मना कर देती है और कहती है कि वह डाइटिंग कर रही है और जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाती है। कोजी उसे देखता रहता है। निम रात को घर पर भी काम ही करती रहती है। अगले दिन ऑफिस में निम को नींद आती है तो कोजी उसे बाहर चलने के लिए कहता है। कोजी कहते हैं कि क्या उन्हें शॉपिंग चलना चाहिए। निम कहती है कि वह थक गई है और घर जाकर सोना चाहती है। कोजी उसे उसके घर ले आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह उसे देखकर बता सकता है कि वह स्ट्रेस फील कर रही है। निम कहती है कि वह बस थक गई है। निम गेट पर ही खड़ी हो जाती है। कोजी वहाँ से चला जाता है। कोजी के जाने के बाद निम अपने पार्ट टाइम जॉब पर चली जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद कोजी का फोन आता है। कोजी कहते हैं कि क्या वह कोजी की वाइफ नजूमी बोल रही है। निम मना कर देती है। कोजी पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। निम झूठ बोलती है कि वह बस शावर लेकर सोने ही जा रही है। निम पूछते हैं कि क्या वह घर पहुंच गया। कोजी कहते हैं कि बस अभी आया है। कोजी उससे कल मिलने के लिए कहता है। निम कहती है कि कल वह उसका फेवरेट लंच बनाकर लाएगी। कोजी उसे गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देता है। कोजी उसी कैफे के बाहर खड़ा होकर निम को देखता रहता है जहाँ वह काम कर रही होती है। अगले दिन ऑफिस में निम कोजी के लिए कॉफी और लंच बॉक्स लेकर आती है। कोजी निम से कहता है कि वह स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है, क्या कुछ हुआ है। निम कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ। कोजी उसे वापस काम पर जाने के लिए कहता है। तभी निम को चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। कोजी निम को हॉस्पिटल ले आता है। नर्स आकर बताती है कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है।
वो जी निम से कहते हैं कि क्या वह उसे ज्यादा काम करा रहा है और कहते हैं कि उसे उसकी फिक्र हो रही है। निम उसे सॉरी बोलती है। वो जी उसे हक कर लेता है और कहते हैं कि फ्राइडे तक जापान में उसकी मीटिंग है, वह लीव ले सकती है। निम घर आ जाती है। उसकी मम्मी कहती है कि वह फिर से घर लेट आई, अब कहाँ थी। निम कहती है कि वह काम कर रही थी। उसकी मम्मी कहती है कि कहीं वह अपने जापानीज बॉस के साथ तो नहीं थी। निम कहती है कि बॉस जापान में है और वह थक गई है। उसकी मम्मी उसे फॉरेनर्स पर ट्रस्ट करने से मना करती है। निम कहती है कि वह काम कर रही थी, उन्हें उसकी बातों पर बिलीव क्यों नहीं है। उसकी मम्मी कहती है कि कौन सी जॉब में इतनी देर तक काम करना पड़ता है। निम नीचे आकर उन्हें बिल्स दिखाते हुए कहती है कि उसने पार्ट टाइम ट्रांसलेटर की जॉब की एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए, ताकि वह कार, घर और बिल्स के लिए पे कर सके। उसकी मम्मी कहती है कि उन्हें इस बारे में कैसे नहीं पता। निम कहती है कि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि क्या वह थक गई है। उसकी मम्मी उसे देखती रहती है। निम कहती है कि जैसे ही वह कार के लिए पैसे पूरे कर लेगी तो अंटनोई को दे देना, उन्हें जरूरत है, और थोड़ी देर बाहर जाने के लिए कहती है। निम कॉफी शॉप में बैठकर रोती रहती है। तभी कोजी का फोन आता है और वह पूछता है कि वह कहाँ है। निम उसे बता देती है। तभी कोजी वहाँ आ जाता है। निम उसे देखकर रोने लगती है और पूछती है कि वह जापान क्यों नहीं गया। कोजी कहता है कि उसने फोन पर ही मीटिंग अटेंड कर ली। निम फिर से रोने लगती है और कोजी को हग कर लेती है। कोजी उसे अकेला छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। थोड़ी देर बाद कोजी निम से कहता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसे सब कुछ बताना चाहिए था, नहीं तो बॉयफ्रेंड ही क्यों बनाया। निम बताती है कि उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। उसकी मम्मी ज्यादा पैसे खर्च करती है और उनका सारा डेब्ट उसे पे करना पड़ता है। कोजी कहता है कि इसीलिए उसने उसे बिना बताए साइड जॉब भी की। निम कहती है कि उसके पास उसकी इतनी प्रॉब्लम थी तो वह उसे और बर्डन नहीं देना चाहती थी। कोजी कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम में कैसे देख सकता है। निम उसे सॉरी बोलती है। कोजी उससे प्रॉमिस लेता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी और उसे घर जाने के लिए कहता है। निम घर जाने से मना कर देती है। कोजी पूछता है कि फिर वह कहाँ सोएगी। निम कहती है कि वह अपने फ्रेंड के घर चली जाएगी। कोजी कहता है कि वह अलाउ नहीं करेगा और उसे अपने घर ले आता है। कोजी उसके लिए बेड अरेंज करने जाता है तो निम उसे रोक देती है और कहती है कि वह सोफे पर सो जाएगी। कोजी मना करता है और कहता है कि सोफे पर वह सो जाएगा। निम कुछ बोलने वाली होती है तो कोजी उसे चुप कर देता है और कहता है कि वह घर का ओनर है तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। कोजी सोफे पर लेटकर टीवी देखता है। निम भी नीचे आ जाती है। कोजी उसे देखकर पूछता है कि वह अभी तक क्यों जाग रही है। निम कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी और कोजी को ऊपर जाकर सोने के लिए कहती है और कहती है कि उसे टीवी देखते देखते नींद आ जाएगी। कोजी उसे साथ में बैठकर टीवी देखने के लिए कहता है। निम आकर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। दोनों साथ में टीवी देखते रहते हैं। निम सो जाती है तो कोजी टीवी बंद कर देता है और खुद भी सो जाता है। मॉर्निंग में कोजी निम के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। निम सोती रहती है। थोड़ी देर बाद निम उठ जाती है और कोजी को कुकिंग करते हुए देखती है। निम कोजी के पास आकर कहती है कि उसे नहीं पता था कि वह भी कुकिंग कर सकता है। कोजी कहता है कि हर बार वह उसके लिए बनाती है तो इस बार उसने बनाया। निम खाना स्टार्ट करती है। कोजी उसे देखता रहता है। निम डिश टेस्टी बताती है और कहती है कि वह डेली ऐसा ही ब्रेकफास्ट करना चाहती है। कोजी कहता है कि फिर तो यहीं पर रुक जाओ, अगर वह चाहे तो हमेशा के लिए। निम कहती है कि उसे घर जाना पड़ेगा। कोजी पूछता है कि वह इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेगी। निम कहती है कि उसने अपनी मम्मी से अच्छे से बात नहीं की तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने जाने की। कोजी कहता है कि अपने घर जाना अच्छी बात होती है। निम पूछती है कि अगर वह उसकी जगह होता तो क्या वह घर वापस जाता। कोजी कहता है कि उसे नहीं पता और निम को जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। निम कोजी की कार में बैठकर अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती है ताकि दूसरों को पता ना चले कि वह बॉस के साथ आई है। कोजी कहता है कि वह पहले भी उसके साथ कार में आ चुकी है। निम कहती है कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस वाले नहीं जानते, तो अगर वे साथ में ऑफिस जाएंगे तो स्टाफ गॉसिपिंग करेगा। कोजी पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। निम कहती है कि उसे यहीं पर ड्रॉप कर दो, वे उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। निम अकेले ऑफिस आती है तो कोजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। निम पूछती है कि वह अभी तक ऊपर क्यों नहीं गया। कोजी निम का हाथ पकड़ लेता है। स्टाफ के आने पर निम हाथ छोड़कर स्टेज पर खड़ी हो जाती है। निम कोजी को पहले जाने के लिए कहती है। कोजी उसे देखता रहता है। तभी और स्टाफ के आने पर निम ऊपर भाग जाती है। कोजी कंफ्यूज होकर उसे देखता रहता है। निम कोजी के लिए कॉफी लेकर जाती है तो तीनों उसे देखते रहते हैं और निम के देखते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। जैसे ही निम दरवाजा खोलती है कोजी उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। कॉफी रखने के बाद निम जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है। निम पूछती है कि क्या बात करनी है। कोजी कहता है कि अब वह अपनी रिलेशनशिप छुपाना नहीं चाहता और वह गॉसिप से क्यों डर रही है। निम कहती है कि उसे उसकी फिक्र है इसीलिए। कोजी रीजन पूछता है। निम कहती है कि अगर वह उससे अच्छे से बिहेव करेगा तो स्टाफ यही कहेगा कि बॉस पार्शियलिटी कर रहे हैं और वे उनके हर एक्शन पर नजर रखेंगे। कोजी उनकी बातें सुनकर स्माइल करता है और उसे मैच्योर बताता है। कोजी निम को किस करने वाला होता है तभी हजूर रूम में आने की परमिशन मांगता है। निम उसे अंदर जाने के लिए बोल देती है और कोजी को बाय बोलकर चली जाती है। टीना हेडक्वार्टर से ही बैंकॉक स्टाफ को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए कहती है। रात को निम कोजी से आकर पूछती है कि क्या उसे कुछ और भी वॉश कराना है।
पूजी कहते हैं कि क्या वह उसके कपड़े वॉश करने जा रही है। निम हाँ कर देती है। पूजी कहते हैं कि फिर तो उसकी हाउसवाइफ बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी। निम कहती है कि अब इतनी दूर का इमेजिनेशन मत करो। पूजी कहते हैं कि वह तो तब से एक फैमिली चाहता था जब से वह 15 साल का था। निम रीजन पूछती है। पूजी स्माइल कर देता है। रात को निम आकर पूछती है कि वह अभी तक सोने क्यों नहीं गया, क्या उसे कुछ हुआ है। पूजी मना कर देता है और कहते हैं कि कल के काम के बारे में सोच रहा था। निम पूछती है कि क्या वह सच में उसे कल अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहता। पूजी मना कर देता है और टेंशन में लगता है। निम कहते हैं कि क्या वह किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। पूजी कहते हैं कि जब उसकी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है तो वह किसी और के पास क्यों जाएगा। निम कहती है कि अगर कोई बात है तो उसे बता देना। पूजी कहता है कि एक और बात है कि वह ऑफिस के बाद उसे बॉस ना बुलाए। निम कहती है कि आज से वह उसे मिस्टर पूजी बुलाएगी और उसे किस कर लेती है। मॉर्निंग में निम पूजी के घर की क्लीनिंग करती रहती है, तभी निम को अलमीरा से एक बॉक्स मिलता है। वह उसे खोल कर देखती है तो उसमें पूजी की बचपन की पिक्चर होती है। पूजी आकर देख लेता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। निम कहती है कि वह बस उसके रूम की क्लीनिंग कर रही थी तो उसे ये फोटो मिला और उसे सॉरी बोलती है। पूजी कहता है कि कोई बात नहीं। पूजी उसे अपने पास के बारे में बताता है कि पहले तो उसने अपने डैड की पिक्चर हटा दी थी क्योंकि उन्होंने उसकी मम्मी को डाइवोर्स दिया था। वह बहुत छोटा था और उसे डाइवोर्स का रीजन नहीं पता था। उसके बाद मम्मी ने उसे अकेला छोड़ दिया और वह दोबारा उनसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। 2 साल बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उनसे बात नहीं की और जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल किया अपनी स्टडी पूरी करने के लिए। कुछ साल बाद उसे पता चला कि उसकी मम्मी की कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। पूजी अपने आप को ब्लेम करता है कि अगर वह कॉल रिसीव कर लेता तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। पूजी उसे समझाता है कि शायद उसकी मम्मी भी उससे कुछ कहना चाहती हो। निम उसे देखती रहती है। फ्लैशबैक में 10 साल पहले दिखाते हैं कि पूजी एक बार में बैठा रहता है। एक आदमी उसे बताता है कि अगर वह रीना के साथ फ्रेंडशिप कर ले तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मॉर्निंग में पूजी निम को उसके घर ले आता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। पूजी उसे बाय बोलता है और उसे जाते हुए देखता रहता है। नट और उसकी मम्मी गेट पर ही खड़े रहते हैं। निम उन्हें हक कर लेती है। उसकी मम्मी कहती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है। पूजी भी उन्हें देखता रहता है। तीनों रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं। नट निम को सॉरी बोलता है और उसकी मम्मी भी उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी बोलती है। निम भी रोने लगती है। नट कहता है कि वह उसे एक बेटर पर्सन बनकर दिखाएगा। निम आकर अपनी मम्मी को हक कर लेती है। रात को निम कोजी को बताती है कि सब ठीक रहा और उसकी मम्मी उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। कोजी कहता है कि उसे उसका शेड्यूल पता है, जब भी वह फ्री होगा अरेंज कर देना, वह आ जाएगा। फोन रखने के बाद रीना कोजी से कहती है कि वह कितने स्वीट कपल हैं। कोजी पूछता है कि उसने क्यों नहीं बताया कि वह आ रही है। रीना कहती है कि उसे इतनी अच्छी बातें सुनने के लिए कैसे मिलती, इसीलिए आई है। कोजी कहता है कि वह क्या चाहती है, उन्होंने सब एंड तो कर दिया है। रीना कहती है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। पूजी कहता है कि वह तो उससे प्यार नहीं करती। रीना हाँ कर देती है। पूजी उसे इग्नोर करके टीवी देखने लगता है। रीना कहती है कि वह बस उसका है और अगर वह नहीं चाहता कि उसके पास के बारे में उस लड़की को पता चले तो जैसा वह कहेगी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन निम ऑफिस में फ्लावर वास रेडी करती रहती है। टिंगा कर पूछते है कि वह ये सब किसके लिए कर रही है। निम कहती है कि वह इसे बॉस के रूम में रखेगी। तभी एचआर मैनेजर उन्हें आकर बताती है कि जापान से न्यू सीईओ आ चुकी है और वह उसे जानते हैं, वह सबकी पोस्ट चेंज करेगी। तभी रीना के ऑफिस में एंट्री होती है और वह जाकर निम को हेलो बोलती है। निम शॉक हो जाती है। रीना कहती है कि उसे पता तो चल ही गया होगा कि वह यहाँ क्यों आई है और उसे उसके साथ काम करके अच्छा लगेगा। निम कोजी को देखती है। रीना कोजी से ऑफिस में चलकर बात करने के लिए कहती है। कोजी हाँ कर देता है। रीना निम से कॉफी लाने के लिए कहती है और कहती है कि बाहर से खरीद कर लाना क्योंकि वह अच्छी कॉफी नहीं बनाती। निम उन्हें मीटिंग से आते हुए देखती है। रीना निम को देखकर कोजी से साथ में रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है। निम कोजी से कहती है कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। कोजी डेस्क पर रखने के लिए कहता है और कहता है कि आज वह बिजी है तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। निम उसे कंफ्यूज होकर देखती है। टिंग और रीना कर पूछते हैं कि वे दोनों इतने सीरियस क्यों लग रहे थे। निम कहती है कि उसे नहीं पता। रीना मीटिंग में सबको डांटती है और टोन से कहती है कि उसके पास ज्यादा वर्कलोड क्यों है, क्या उन्होंने नया ट्रांसलेटर हायर नहीं किया। टोन बताते हैं कि उन्होंने निम को हायर किया था पर अब वह बॉस की सेक्रेटरी है। रीना निम से कहती है कि वह अपनी टीम को वर्क बर्डन में डालकर सेक्रेटरी कैसे बन गई। निम को टेंशन हो जाती है। कोजी निम को देखता है। रीना कहती है कि एम्प्लॉइज को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब देनी चाहिए। एचआर मैनेजर बताती है कि निम अच्छा परफॉर्म कर रही है। रीना उसे चुप कर देती है और निम को वापस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देती है। कोजी गुस्से में बैठा रहता है और रीना से कहते हैं कि नई सेक्रेटरी ढूंढने में टाइम लगेगा, इससे उसके काम पर फर्क पड़ेगा। रीना कोजी से आर्ग्यू करने लगती है। निम कह देती है कि वह अपना ट्रांसफर एक्सेप्ट करती है। एचआर मैनेजर कोजी से कहती है कि वह उसके लिए नई सेक्रेटरी ढूंढ लेगी। कोजी मना कर देता है। रीना उसे देखती रहती है। निम को ज्यादा काम देकर कहती है कि अभी फिनिश करना है क्योंकि अर्जेंट है। निम जल्दी जल्दी काम करने लग जाती है। प्लॉय और ज्यादा फाइल्स ले आती है और उसे जल्दी करने के लिए कहती है। निम प्रेशराइज फील करती है। कोजी निम के पास आता है और फाइल देकर कहता है कि इसको कंप्लीट कर दो। निम कहती है कि अभी उसके पास ज्यादा काम है तो वेट करना पड़ेगा।
फौजी मना कर देता है और कहता है कि फाइल अर्जेंट है। निम फाइल ओपन करती है तो उसमें एक नोट होता है। निम खुश हो जाती है। लोया अगर उसे काम करने के लिए कहती है। निम कोजी के घर पर खाना बनाती रहती है और रेडी करके रख देती है और कोजी के रूम में ग्लास पर लिपस्टिक का मार्क देख लेती है। कोजी घर आ जाता है। निम गुस्से में बैठी रहती है। कोजी पूछते है कि क्या कुछ हुआ है। निम ग्लास दिखाकर पूछती है कि ये लिपस्टिक का मार्क रीना का है ना। कोजी को रीना पर गुस्सा आ जाता है और वह निम को हाँ कर देता है। निम उठकर जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है। निम बैठ जाती है। कोजी निम से कहते हैं कि उन्होंने बस काम के बारे में बात की और उसे उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। निम चुपचाप बैठी रहती है। कोजी कहते हैं कि वह बस उससे प्यार करता है वरना वह अपने रूम की कीज उसे क्यों देता। निम कहती है कि जैसे वह उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता वैसे वह भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। कोजी उससे प्रॉमिस करता है पर निम नहीं करती। कोजी उसे कल डेट पर चलने के लिए कहता है। निम शौक होकर उसे देखती है और खुश हो जाती है। अगले दिन निम कोजी की बताई जगह पर आ जाती है। कोजी आकर कहता है कि क्या उसने ज्यादा वेट कराया। निम हाँ कर देती है और एज अ पनिशमेंट उसे पूरा दिन उसका हाथ पकड़ कर रहना पड़ेगा। कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी मान जाती है। दोनों मूवी देखते रहते हैं। निम गोस्ट मूवी देख कर डरती रहती है। कोजी स्माइल करता है। निम उसके हंसने का रीजन पूछती है। कोजी कहता है कि उसने कहा था दूसरी मूवी चूज करने के लिए। निम कहती है कि उसे ये मूवी पसंद है और फिर से डर जाती है। कोजी उसे ऐसा देखकर स्माइल करता है। निम उसे सॉरी बोलती है। कोजी उसे हग कर लेता है। मूवी के बाद दोनों कैफे आते हैं तभी कोजी को एक फोन आता है। कोजी कहता है कि वह कॉल अटेंड करके अभी आता है। कोजी बाहर चला जाता है। निम उसे ही देखती रहती है। कॉल अटेंड करने के बाद कोजी टेंस लगता है और निम से कहता है कि वह आज उसके घर डिनर पर नहीं आ सकता उसे कुछ काम है और उसे सॉरी बोलता है। निम कहती है कि कोई बात नहीं। कोजी जाते हुए भी निम से सॉरी बोलता है। निम उसे जल्दी जाने के लिए कहती है। कोजी कहता है कि जब वह घर पहुंच जाएगा तो उसे कॉल कर देगा। निम स्माइल कर देती है। कोजी वहाँ से चला जाता है। निम वहीं खड़ी रहती है और सैड लगती है। मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक से जहाँ कोजी रीना से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। रीना उसे उसके साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा पे करती है। कोजी उससे पूछते है कि क्या उसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। रीना कहती है कि उसके जैसे डेंजरस लड़के से कौन प्यार करेगी। निम घर आ जाती है। उसकी मम्मी पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है। निम कहती है कि वह बिजी है आज नहीं आ सकता। उसकी मम्मी कहती है कि उन्होंने तो सारी प्रिपरेशन कर ली थी। नट उसे चिढ़ाता है कि वह इतने अच्छे से रेडी होकर गई थी फिर भी कुछ नहीं हुआ। निम उसे हिट करती है। तभी निम को मार्क की वीडियो कॉल आती है। निम रूम में आकर कॉल रिसीव कर लेती है। मार्क निम को प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए पार्टी में इनवाइट करता है और देर से इन्फॉर्म करने के लिए सॉरी बोलता है। निम कहती है कि वह अभी अभी घर आई है और पार्टी में नहीं आ पाएगी। मार्क कहता है कि उसे लगा था कोजी ने उसे बता दिया होगा और फोन कट कर देता है। निम सोचने लगती है कि कोजी ने उसे क्यों नहीं बताया। तभी इनका मैसेज आता है और वह भी उसे मार्क की पार्टी में इनवाइट करती है। निम कहती है कि वह सोच कर बताएगी। इन कहती है कि सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं तो सोचो मत आ जाओ। मार्क रीना को फोन करके बताता है कि सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। तभी कोजी रीना के रूम में आता है। रीना कहती है कि उसे लगा था वह अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से लेट हो जाएगा। कोजी कहता है कि जो करना है जल्दी करो वह ये सब जल्दी खत्म करना चाहता है। रीना कहती है कि क्या वह निम से इतना प्यार करता है। रीना निम के बारे में गलत बोलती है तो कोजी गुस्से में कहता है कि निम के बारे में ऐसे बात मत करो। रीना चिल्ला कर कहती है कि क्या उसे डर लग रहा है कि निम को उनके बारे में पता चल जाएगा। कोजी उसे देखता रहता है। रीना उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। कोजी पूछते है कि वह उसे कहाँ लेकर जा रही है। रीना कहती है कि पहुँचने पर पता चल जाएगा। निम पार्टी में आ जाती है। मार्क उसे अंदर चलने के लिए कहता है। निम के अंदर जाने के बाद मार्क रीना को मैसेज कर देता है कि निम पार्टी में आ चुकी है। निम अपने कलीग के पास आ जाती है। सब लोग इंजॉय करते रहते हैं। वे लोग कोजी के बारे में बात करते हैं। माँ कहते हैं कि गॉसिपिंग धीरे से करो वरना वह सुन लेगा। टिंग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। माँ बताते हैं कि कोजी ऊपर ही है। निम ऊपर देखती है तो कोजी ऊपर ही खड़ा होता है। इन कहते हैं कि कोजी के साथ तो रीना भी है। सब उन दोनों को ये देखते रहते हैं। रीना कोजी से ड्रिंक करने के लिए कहती है। कोजी मना कर देता है। रीना कहती है कि उसका ऑर्डर है। कोजी ड्रिंक कर लेता है और गुस्से में खड़ा रहता है। रीना कहती है कि अगर वह उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा तो वह वाई प्रोडक्ट कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। कोजी कहता है कि वह उसे क्या कराना चाहती है। रीना कोजी से उसे किस करने के लिए कहती है। कोजी गुस्से से उसे देखता है और कहता है कि अगर ऐसा करने से सब कुछ एंड होता है तो वह करेगा। कोजी को रीना के साथ ऐसे देख कर निम को गुस्सा आ जाता है और बाकी सब बातें करते रहते हैं कि ये कंपनी के लिए बड़ी न्यूज है। रीना निम को देखती है। निम वहाँ से जाती है तो मार्क उसे रोक लेता है। निम कहती है कि वे उसकी प्लानिंग है उसे ये सब दिखाने की। निम कोजी के पास आती है तो रीना नाटक करती है कि उसके एम्प्लॉई ने देख लिया अब क्या करेंगे। कोजी रीना को पुश करके निम से कहता है कि उसने जो देखा सच नहीं था उसे उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। रीना कोजी पर चिल्लाती है कि वह बता क्यों नहीं देता कि वे लोग बहुत पहले से साथ हैं। कोजी भी चिल्लाकर रीना को चुप कर देता है और कहता है कि उसने सब कुछ किया जो वह चाहती थी। क्या वह भी अपना प्रॉमिस पूरा करेगी। रीना कहती है कि सच तो सच ही रहेगा और ये लड़की उसके पास के बारे में जानकर उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसकी दूसरी साइड सिर्फ उसने देखी है। निम और कोजी एक दूसरे को देखते रहते हैं। निम रोते हुए वहाँ से जाती है। कोजी उसके पीछे जाता है। निम कहती है कि उसने तो कहा था वह बस उसी को किस करता है जिसे वह करना चाहता है उसे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए था।
कोजी उसे बताता है कि वह और रीना एक होस्ट क्लब में काम करते थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सबको घर भेजने के बाद कोजी बार बंद करता है तो एक आदमी आकर उसे पहले उसका नाम पूछता है और फिर उसे चाकू मार देता है। कोई उसके हेल्प करने के लिए वहाँ नहीं होता। कोजी निम को बताता है कि इसीलिए उसने वह जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। फ्लैशबैक में ही रीना कोजी के पास आती है। कोजी उसे बताता है कि उसने क्लब सेल कर दिया। रीना पूछती है कि अब वह क्या करेगा। कोजी कहता है कि वह नया बिजनेस खोलने के बारे में सोचेगा। रीना उसे अपने डैड की कंपनी वाइपरक्स में जॉब दिला देती है। कोजी निम को सब कुछ बता देता है और कहता है कि रीना उससे प्यार करती है, उसने उससे कभी प्यार नहीं किया और अब वह उससे इसी बात का बदला लेना चाहती है। निम चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है और कहती है कि वह सब करके रीना का मुंह बंद करना चाहता था कि वह उसे कुछ ना बताए। कोजी उसे समझाने की कोशिश करता है। निम कहती है कि उसे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसीलिए सैड है क्योंकि उसने उससे सच छुपाया। और उसे क्या लगा था वह उसके पास के बारे में जानकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती है, बस उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। कोजी उसे हक करके कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। निम वहाँ से चली जाती है। कोजी उसके पीछे जाता है पर निम टैक्सी में बैठकर चली जाती है। कोजी सैड हो जाता है। निम भी टैक्सी में रोती रहती है। निम दो दिन से अपने रूम से बाहर नहीं आती। नट उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। नट के जाने के बाद निम की मम्मी रूम में आती है और कहती है कि अगर उसे कुछ एडवाइस लेनी है तो वह अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकती है। निम कहती है कि अगर वह जॉब छोड़ दे या जॉब चेंज कर ले तो क्या सब ठीक हो जाएगा। अब तो नट के पास भी प्रॉपर जॉब है। उसकी मम्मी उसे टेंशन लेने से मना करती है और बॉस से बात करने के लिए कहती है। निम उठकर नीचे आती है तो गेट पर कोजी को खड़ा देखती है। कोजी उसे बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। दोनों बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। कोजी कहता है कि पास्ट में उसे लगा था कि सब सेल्फिश हैं, इसीलिए उसने कभी किसी की केयर नहीं की और वह इतना परफेक्ट नहीं है जितना वह सोचती है। निम कहती है कि उसे उसके पास से फर्क नहीं पड़ता, वह अब वाले कोजी से प्यार करती है। कोजी उसका हाथ पकड़ता है तो निम अपना हाथ छुड़ा लेती है। कोजी फिर से हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे लगा था कि वह उसके पास्ट के बारे में जानकर उससे नफरत करेगी। कोजी उसे सॉरी बोलता है और हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि वह बस उससे प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह पाएगा और कहता है कि उसे छोड़कर मत जाओ। निम उसे हक कर लेती है और सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहती है। उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। कोजी उसे थैंक यू बोलता है। निम स्माइल कर देती है। कोजी उसे किस कर लेता है। अगले दिन मीटिंग रूम में हजोबे जैपनीज में प्रोजेक्ट डिटेल्स बताता रहता है और निम को ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। निम ट्रांसलेट कर देती है। हजोबे अलग अलग पोज बनाकर डिटेल्स बताता रहता है। निम ट्रांसलेट करके बताती है कि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो उन्हें 4 गुना ज्यादा बोनस मिलेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी रीना मीटिंग रूम में आ जाती है और कहती है कि हेडक्वार्टर वाइपरक्स कंपनी की मैनेजमेंट टीम को रिप्लेस करना चाहता है। कोजी सुनकर गुस्सा करता है। टिंग पूछते है कि क्या एम्प्लॉइज पर भी इसका असर पड़ेगा। रीना कहती है कि आधा स्टाफ निकाल दिया जाएगा। सबको टेंशन हो जाती है। निम कोजी को देखती है। मीटिंग के बाद कोजी रीना से कहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा तो कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। रीना कहती है कि वह उसे अच्छे से जानता है। कोजी गुस्सा करता है, कहता है कि कंपनी को ज्यादा लॉस हो जाएगा। रीना कहती है कि उसे पता है और अगर वह खुश नहीं है तो अपने पास्ट वाले बिजनेस में जाने के लिए रेडी रहना। रीना उसे पुश कर देती है और बाय बोलकर चली जाती है। बाहर स्टाफ प्रे करता रहता है कि उन्हें ना निकालें, वे दूसरी जॉब कैसे ढूंढेंगे। निम कहती है कि उसे भी नहीं पता वह क्या करेगी। टिंग कहता है कि वह तो यंग है, उसे कहीं भी जॉब मिल जाएगी और रोते हुए कहता है कि उसका क्या होगा। तभी सबको एक मैसेज आता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है पर निम को कोई मैसेज नहीं आता। प्लॉय को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। वह गुस्से में कहती है कि निम को छोड़कर बॉस ने सबको निकाल दिया, वह बॉस से इस बारे में बात करेगी। निम प्लॉय से कहती है कि वह बॉस से खुद जाकर बात कर लेगी। निम बॉस के रूम में आती है तो वहाँ कोजी नहीं रीना होती है। रीना कहती है कि उसे मैनर्स नहीं है क्या, उसे अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए था। निम कहती है कि उसे बॉस से बात करनी है। रीना कहती है कि कोजी से बात करना और उससे बात करना एक ही बात है। और क्या वह कोजी से यह कहने आई है कि सबकी जॉब बचा लो। निम उसे देखती रहती है। रीना हंसकर कहती है कि उसे कोजी से नहीं, उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। निम कहती है कि वह सब उसी की वजह से कर रही है ना। रीना हंसकर हाँ कर देती है और कहती है कि अगर वह सबकी जॉब बचाना चाहती है तो रिजाइन कर दे। रीना उसे लेटर देती है। निम गुस्से में उसे लेटर लेकर वहीं बैठकर साइन करने वाली होती है। तभी कोजी आकर उसे रोक देता है और बाहर वेट करने के लिए कहता है। निम उठकर बाहर चली जाती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या उनकी जॉब बच गई। निम कहती है कि अभी नहीं पता। अंदर ऑफिस में कोजी रीना से सॉरी बोलता है और कहता है कि गलती उसी की है और वह ये भी नहीं चाहता कि वह उसे माफ करे। रीना उसे देखती रहती है। कोजी कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उन दोनों के झगड़े में बाकी लोगों के करियर के साथ खेले। रीना उसे घुटनों पर बैठकर उसे माफी मांगने के लिए कहती है। कोजी उसे देखता रहता है। रीना निम के पास आती है और उसे बताती है कि उसने कोजी को पाने के लिए बहुत कुछ किया है। निम उसे बताती है कि कोजी ने उसे सब बता दिया है और पास में कोजी की हेल्प करने के लिए निम रीना को थैंक यू बोलती है और कहती है कि वह उसकी फीलिंग समझ सकती है। रीना उसे चुप होने के लिए कहती है और उसको थप्पड़ मारने वाली होती है पर नहीं मारती, उसके हाथ से बॉटल फेंक देती है और वहाँ से जाते हुए रोती रहती है। निम अपना काम करती रहती है। इन आकर पूछती है कि क्या उसे बॉस और मिस रीना की कन्वर्सेशन का कुछ पता चला। वे दोनों बहुत देर से अंदर हैं। निम कहती है कि उसे नहीं पता। तभी टिंग आकर बताता है कि उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा रहा। सब खुश हो जाते हैं। निम कहती है कि बॉस ने जरूर उनकी हेल्प की होगी।
उनके जाने के बाद प्लॉय आकर निम से कहती है कि उसे दूसरों की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, उसके तो सारे काम इजीली हो जाते हैं। निम उसे देखती रहती है, रीना किसी से फोन पर बात करती है और पूछती है कि क्या सब रेडी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कोज रीना से कहता है कि उसकी गलती की वजह से स्टाफ को मत निकालो। उसके बाद कोज घुटनों पर बैठकर रीना से माफी मांग लेता है। रीना शौक होकर उसे देखती रहती है और कहती है कि इसीलिए वह उसे पसंद करती है और वहाँ से चली जाती है। रीना बाहर खड़ी होकर रोती रहती है। मार्ग आकर पूछता है कि वह क्यों रो रही है, क्या उसने गिव अप कर दिया। रीना कहती है कि उसे पता चल गया कि कोज उस लड़की को इतना प्यार क्यों करता है। माँ कहते हैं कि कोज उसके लिए सही नहीं था, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एचआर मैनेजर निम से आकर बताती है कि उसे फिर से बॉस की सेक्रेटरी के पोस्ट पर ट्रांसफर किया जा रहा है। निम खुश हो जाती है। मैनेजर बताती है कि ऑर्डर रीना का है। प्लॉय निम से कहती है कि उसे वही जॉब मिल गई जिसमें वह अच्छी है। निम कहती है कि उसकी टेंशन मत लो, अपने काम पर ध्यान दो, अब उसकी गलत ट्रांसलेशन कौन करेक्ट करेगा। प्लॉय गुस्सा करती है। निम जोर से कहती है कि वह नहीं चाहती कि कंपनी को उसकी गलत ट्रांसलेशन की वजह से सफर करना पड़े और हंसकर कहती है कि फ्यूचर में उसे इग्नोर मत करना। प्लॉय गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। निम वापस अपने डेस्क पर आ जाती है। तभी रीना कोजी के ऑफिस से बाहर आती है और उसे हग कर लेती है। निम को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। रीना कहती है कि उसे गलत मत समझो, वह बस गुड बाय कह रही थी। निम पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। रीना कहती है कि वापस जापान जा रही है, उसे कंपनी में कोई इशू नहीं मिला। रीना कोजी को गुड लक बोलकर चली जाती है। निम कोजी से पूछती है कि उसने सब कुछ नॉर्मल करने के लिए क्या किया। कोजी कहता है कि सीक्रेट है, नहीं बताएगा। रीना दूर से उन दोनों को बातें करते हुए देखकर वहां से चली जाती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। निम अपने सेक्रेटरी के पोस्ट पर ही काम करती रहती है। कोजी उसके पास आकर कहता है कि वह जल्दी आ गई। निम कहती है कि वह उसे दोबारा परेशान करेगी। कोजी कहता है कि वह अपने जॉब अच्छे से करती है तो ऐसा नहीं होगा और पूछते है कि क्या वह उसके लिए लंच बॉक्स लेकर आई है। निम कहती है कि वह भूल गई। कोजी कहता है कि कैसे भूल गई। निम कहती है कि वह मजाक कर रही थी और बॉक्स उसे दिखाती है। निम के घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। नट भी जॉब को लेकर सीरियस है और कोजी भी उसके घर आता रहता है। बस उसे एक ही बात की फिक्र है, कोजी को फीमेल फ्रेंड्स के साथ देखना। कोजी उसे जानबूझ के चिढ़ाता रहता है। निम देखकर गुस्सा करती रहती है। कोजी उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। रास्ते में ही निम से कहती है कि एक क्लाइंट तो बहुत ब्यूटीफुल है। टिंग कहता है कि आजकल सब क्लाइंट्स बॉस के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं और क्यों ना हो, बॉस इस साल के यंगेस्ट सीईओ चूज किए गए हैं। निम गुस्से में चुप करके वहाँ से चली जाती है। निम गुस्से में फ्लावर वास कोजी के रूम में लाकर रखती है और सीजर उठाकर फ्लावर्स कट कर देती है। कोजी उसे देखता रहता है। निम वहाँ से जाती है तो कोजी उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। निम गुस्से में कहती है कि कुछ नहीं हुआ। कोजी हंसकर कहता है कि वह कंफ्यूज लग रही है। निम कहती है कि वह कंफ्यूज नहीं, गुस्सा है। कोजी रीजन पूछता है। निम कहती है कि वह बस फीमेल क्लाइंट के साथ काम करता है जिन्हें लगता है कि वह सिंगल है। कोजी हंसने लगता है और निम को जाने से रोकता है और उसे देखकर हंसता रहता है। निम उसके हंसने का रीजन पूछती है। कोजी कहते हैं कि कोई जेलस हो रहा है और उसी ने तो कहा था कि किसी को मत बताना कि हम डेट कर रहे हैं। निम कहती है कि ये भी उसकी ही गलती है। कोजी कहते हैं कि वह तो पूरे ऑफिस में अनाउंस करने के लिए रेडी है। निम मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने से उसके क्लाइंट्स चले जाएंगे। कोजी उसे किस कर लेता है। निम उसे रोक देती है। निम अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। पॉपी और म्यू निम को समझाते हैं कि उसे अपने बॉस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कोजी और निम को एक पार्टी में दिखाते हैं। मार्क भी वहाँ आ जाता है। कोजी कहता है कि उनकी मीटिंग तो मंडे में थी। मार्क कहता है कि उसे बाहर जाना है तो इसीलिए आज ही आ गया और उसे अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करना था। पहले वे अपने बाकी क्लाइंट से बात कर सकता है, वे बाद में बात कर लेंगे। कोजी फिर से क्लाइंट के साथ बिजी हो जाता है। निम उसे देखती रहती है और मार्क को देखकर उसे एक आइडिया आता है। निम मार्क से बात करने लगती है। कोजी उसे देखता रहता है। निम मार्क को अपना प्लान बताती है और उसके साथ डांस करने लगती है। उन्हें साथ में देखकर कोजी को गुस्सा आ जाता है और वह आकर मार्क से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को टच मत करो। ऑफिस स्टाफ उसकी बात सुन लेता है और मार्क भी हंसने लगता है। कोजी कहता है कि क्या ये उनकी प्लानिंग थी। मार्क कहता है कि निम ने उससे हेल्प मांगी थी। कोजी निम को देखता है। हजोबे कहता है कि ये काम अप हो जाना चाहिए। कोजी अनाउंस कर देता है कि निम उसकी गर्लफ्रेंड है। निम कोजी को हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। निम वही एल्बम देखती रहती है जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। कोजी पूछते है कि वह बार बार यही फोटोज क्यों देखती रहती है। निम पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। कोजी उसे जापान में एक होटल बुक करने के लिए कहता है। निम कहती है कि जापान में अभी कोई काम नहीं है। कोजी कहते हैं कि वह उसे वेकेशन पर लेकर जाना चाहता है। निम खुश हो जाती है। इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग यहीं पर होती है। वी विल मीट विद अ न्यू सीरीज सून। टिल देन टेक केयर। Thanks for watching our videos. We work hard to make sure you keep coming back for the content we produce. And if you are not a subscriber yet, click here and you will be notified when a new video goes public.